beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 Tejo Mayanayakattave Stotram 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 உயர்ந்தும் பொங்கி உள்ள சிவகாசனத்தில் வானர் எழுந்தவனே ஸ்தோத்ரம் 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 சகேல நாமத்தில் வலியா நாமம் உள்ளவனாய் சகலத்தை அடக்கி வாழ்ந்தவனாய் ராஜாக்கன்மார் ராஜாவே ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்துதி ஹோதி ஸ்துதி ஹோதி ஸ்துதி ஹோதி ஸ்துதி ஹோதி हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति हो 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 अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति निरंतर निरंतर होते रहे स्तुति 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 कलिसिया तेरी स्तुति करती है स्तुति 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 हो स्तुति हो स्तुति हो महिमा हो राजा रे प्रतापी राजा तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर फैलाए जाए प्रभु महिमावान प्रभु तू है तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु प्रशंसा 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 हो प्रशंसा हो अनादि से अनंत काल तक तू सदैव परमेश्वर है तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तू कभी नहीं बदलता प्रभु आपा तू अल्फा है तू ओमेगा है तेरी प्रशंसा करते हैं तारीफ प्रभु तारीफ 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 देखी हुई रंधे की सारी वस्तुएं और सारी जीवियों के सृजनहार और उसका रखवाला तू ही है तेरी तारीफ 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 करते हैं वंदना प्रभु वंदना 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 तेरे जल सारे देश देशों में प्रभु तेरे उपस्थिति में आते हैं और वंदना करते हैं हम भी सारे संतों के साथ पवित्र आत्मा में तेरी वंदना करने के लिए आए प्रभु वंदना 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 उपासना प्रभु जी उपासना उपासना दंडवत करते हुए उपासना घुटने प्यार उपासना अपासर को झुका कर उपासना हाथों को उठा कर उपासना 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 अबा पिता तेरे जनाए हैं प्रभु रहने वाले हैं अबा पिता तेरी उपासना करते हैं तेरी उपासना करते हैं तेरा भाई मानते हुए हम तेरी उपासना करते हैं प्रभु आराधना 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 हृदय की गहराई से आराधना करने आते हैं प्रभु धन्यवाद 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 की बलि चढ़ाते हुए प्रभु जी अब तेरे ही पवित्र पवन के फाटकों से प्रवेश पाकर तेरे चरणों पे आते हैं अब्बा ये परमेश्वर का जी प्रेम के कारण है पुत्र की अद्भुत कृपा के कारण है यीशु के पवित्र लहू के कारण है उसका तोड़ दिया गया शरीर के कारण है फाड़ दिया गया पर्दा के कारण है प्रभु मानते हैं चरणों में हम अपने आप को ले आते हैं हमारी सहायता कर इतने महान सर्वशक्तिमान अति पवित्र त्रय परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए मुझ में योग्यता नहीं है प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे प्रार्थना करना हर तरह की गलतियां हर तरह की कुटिलताएं प्रभु मैं कबूल कर आता धोने प्रभु इतनी माफ को धोने
आदर भाव मुझको धोने से शुद्ध करते पवित्र करते प्रभु मुझे निर्मल मन पर स्थिर आत्मा प्रभु ताकि मैं सारे शब्दों के समेत तेरी आराधना सच में और पवित्र कर पाऊ लोग आए हैं परे उन्हें भी तैयार करते जा प्रभु हालेलुया पवित्र वस्त्र से अलंकृत होकर सजाया गया के समान प्रभु आराधना कर सके तैयार कर प्रभु इस पूरे परिसर को तो पवित्र कर दे हालेलुया भवन को पवित्र कर दे हालेलुया स्वर्ग दूतों को चारों ओर पवित्र आत्मा यहाँ मन रात रहे मेरी महिमा वस्तु यहाँ बने रहे महिमा से हमें ओट ले ताकि हम तेरी आराधना इसे कर सके हालेलुया हो तुझे प्रसन्न कर तेरी आराधना हो पवित्रता से शोभायमान हो तेरी आराधना कर सके प्रभु हमारी सहायता कर हालेलुया तुझे प्रसन्न करने वाले सुगंधी धूप बलिसा हमारी आराधना तेरे सम्मुख स्वीकृति पाए प्रभु हमारी सहायता कर उसके लिए हमें चला प्रभु सारी आराधना के जो जगह है प्रभु हालेलुया उसके आस पास के जगह भी पवित्र किया जाए स्वर्गीय आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को हर तरह की दुष्टात्मा सेना को यीशु के अद्भुत नाम से और पिता परमेश्वर की ओर से पाया हुआ धिक्कार से डांटता हूं और मारता हूं आप पवित्र आत्मा की आसारे आराधना करें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें चला प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार चला गीत हो भजन हो वचन हो भाषण हो मनन हो अबा विनती हो या विचार या नजर भी हो सब कुछ प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हो तेरे नाम अधिक महिमा पाए तेरे राज्य आए हमारे बीच तेरी इच्छा पूरे किया जाए मेरे जीवन में मेरे परिवार में मेरे मंडली में प्रभु जी और हमारे देश में प्रभु जैसे स्वर्ग में किया जाए तेरे जल को बहुत आशीर्वाद तूने कहा मेरे भवन में तुम्हारा पालन पोषण होगा अब रुके प्रभु तेरे स्पर्श चाहते प्रभु अभिषेक की कामना नहीं करा तेरी हो सदा के लिए यीशु के ही मीठे नाम से मांगते हैं भजन 99 का चौथा आयत पढ़ के नहीं तो वहां हम पढ़ते हैं साम 99:6 वहां पढ़ते हैं उसके याचकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वो उनकी सुन लेता था उसके जो पृष्ठभूमि है उसका जो 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 उसका जो पश्चात पश्चात बोलता सही है क्या बता रही हाँ तो उसका जो बैकग्राउंड समझने के लिए उसको पहले कैसे वचन पढ़ना है वो हमें नहीं पढ़ना है अभी क्योंकि वहां लिखा है कि सारे लोगों को आह्वान देता है नहीं है कि उसकी स्तुति करो उसकी वंदना करो उसकी आराधना करो नहीं ये सारे चीज कहते हैं और ये कहने के बाद तुरंत ये तीन लोगों का नाम लेता है तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि परमेश्वर इनको बहुत मानता है परमेश्वर इनका मुख का बहुत आदर करता है इसके लिए इन तीनों का नाम अलग से लेकर कहता है कि उसके याचकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में शमूएल छुड़ाए हुए लोग तो कितने 30-40 लाख थे सही है लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को करीब से जानता है और परमेश्वर कुछ लोगों को नाम लेकर बार बार उसका आदर करता है सम्मान करता है ऐसे कुछ लोग हैं तो मुझे बता चला पिछले दिन अगर हमने कि
भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर के विषय में चर्चा किया, गलती नहीं किया। परमेश्वर उन लोगों का बहुत आदर करता है। परमेश्वर बारंबार उसका नाम लेता है और कहते हैं, ये लोग, इन लोगों ने मुझको प्रसन्न किए थे। लोग तो गलत राग में होकर चलते थे, हटीले मन वाले थे, बलवा करने वाले थे, नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले थे। There were such a lot of people, stiff-necked people, hard-hearted people, rebellious people, disobedient people. In the midst of all that, Parameshwar ko present karne wala, Parameshwar ke ji mein ji lekar aaya, Parameshwar ko santwana dene wale kuch log the. Aise log dhany hai. Yes, Lord. Main to sardard hai uske liye. Mera bojh uthana hi uska kaam hai. मेरा ये समस्या है, मेरा ये तकलीफ है, मेरे ये समस्या, ये प्रॉब्लम है, यही तो मैं बोलता रहता नहीं है, ऐसे डॉक्टर के पास जाकर कंप्लेन करते रहता है। लेकिन ये लोग ऐसे लोग नहीं है, ये लोग ऐसे बलि चलाने वाले लोग है। उनकी प्रार्थना हो, आराधना हो, भविष्यवाणी हो, वो सब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक सुखदायक सुगंधी धूप बलि की तरह था। इसलिए उन लोगों का नाम यहाँ लेकर परमेश्वर बात करता, वहां से आगे बढ़ता। अभी इसको और ज्यादा समझने के लिए, क्यों इनका नाम लेते हैं, क्यों परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं, उसके लिए हम अगले अध्याय में चले जाते हैं। अगला अध्याय नहीं है, 106 है, 106 से हम 21 से पढ़ते हैं। वहां मुझे ऐसा लगा कि कुछ वचन पढ़ना सही है। 6 से पढ़ो, 21 से पढ़ना है। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए थे। अनेक लोग ये कहते हैं और वो लोग गलत नहीं है। वो लोग कहते हैं कि चिन्ह चमत्कार होगा तो बात बनती है। इसलिए अनेक लोग ऐसे प्रार्थना करता है, हमारे बीच में चिन्ह चमत्कार होते रहे, नहीं है। तो ये गलत बात नहीं है। जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा कार्य करता, वहां चिन्ह होते, चमत्कार होते। लेकिन यहां इसे लिखा है, परमेश्वर ने बहुत चिन्ह और चमत्कार किए थे, उनके बावजूद इन्होंने परमेश्वर को भूल गए। तो मुझे संदेह आते, चिन्ह चमत्कार से सब कुछ होता है क्या? यहां लिखा है कि they forgot their God, who had done great things in Egypt, नहीं है? Wondrous works in the land of Ham. And awesome deeds by the Red Sea. इतने महान महान कार्य किया, लाल समुद्र को दुबा डाला उन्होंने, नहीं है? और हाम के देश में आश्चर्य कर्म किया, नहीं है? इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। Therefore he said he will destroy them. जिनके लिए इतना चिन्ह चमत्कार किया था, इतना अद्भुत काम किया था, जिनको बड़े अलौकिक रीति से चलाया था, खिलाया था, चराया था, वही परमेश्वर क्रोधित होकर कहता, मैं उन्हें मिटाने पर। समझ में आया? तब ये लोग आता होगा जो परमेश्वर क्रोधित होता, नहीं है? When God's heart is boiling with anger, maybe these people would intervene and stand in the breach. नहीं है? ऐसे लिखा, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, ये मेरा चुना हुआ, ये मेरा चुना हुआ मूसा, नहीं, जो किम के स्थान में उसके लिए कड़ा ना होता, ताकि मेरी जल जलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालू, तभी खत्म हो सकता था। नहीं, परमेश्वर तभी उनको जलाकर भस्म करने वाला था। एक मनुष्य आया, नहीं है? Henoch, Moses, his chosen one, stood in the breach before him to turn away his wrath from destroying them. ये छोटी सेवा नहीं है। चिन्ह चमत्कार करना छोटा चीज है, ऐसा मैंने नहीं कहा। There is even a greater mission, उससे भी बढ़कर एक सेवकाई है। एक बुढ़ा आदमी, एक कमजोर आदमी, उसके हाथों को फैलाते हुए क्रोधित परमेश्वर जो तूफान की तरह आते हैं, चलाकर वक्त करने के लिए उसको रुकाता है। यह भविष्य दत्ता है, यह परमेश्वर के संत लोग, उसका परमेश्वर हमारा परमेश्वर। बाप रे भूलिया,
एक व्यक्ति गुस्सा परमेश्वर को रुखाया खुशी से ऐसे शाबाशी देने के लिए नहीं आता था, क्रोध ही धोकर जलाने के लिए आता। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता ऐसा लिखता है, नॉट मोसेस हिज चोजन वन स्टूड इन द ब्रीज बिफोर हिम टू टेल हिम हिज रॉन्ग फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग देम देन दे डिस्पाइज द ब्लेस्ड लैंड हैविंग नो फेथ इन हिज प्रॉमिस। एक बार चुड़ाने से बात बनता गलत फहमी है लगता है मुझे। हमें लगता है कि बहुत ऐसा कुछ बड़ा सुपर नेचुरल कुछ चीज हो जाए जीवन बन गया। मसीह जीवन की मकसद वो नहीं है, वो गलत है। अनेक लोगों को लगता है, मुझे भी लगता सही है वो, कि मुझमें ऐसे तो वरदान नहीं है। मैं उसको थोड़ा सा आई ट्राई टू शो इट इन अ लेसर लाइट, यू नो, थोड़ा सा इसे कम बताते क्योंकि मुझमें नहीं है, नहीं है। उसके कारण भी हो सकता, मैं हमेशा सोचते हैं ये एक कारण है, ये कारण है कि मुझमें इतने ज्यादा महान ऐसे क्या बोलते हैं इसको चिन्ह चमत्कार सब करने के लिए वरदान नहीं है। इसके लिए मैं कभी कभी इसको थोड़ा सेट असाइड कर देता हूँ, माफ करना, आप लोग प्रार्थना करना, ठीक है, मैं भी प्रार्थना करना चाहिए ना, मैं कभी कभी प्रार्थना नहीं करता, वो गलत है। और इतना सब मैं बोलने के बाद भी माफ करना, इसे सब कहते हैं। अनेक लोगों को कुछ अनेक लोग गलत समझते हैं, मैं जो बात कर रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे समझ लिया कि मैं बोल रहा है कि भविष्यद्वक्ताओं को पीछे जाना। मैंने ये बात 22 बरस से यहां कह रहा है कि बहुत कुछ गलतियां हो सकते हैं भविष्यवाणियों में, इसलिए मैं कहते परमेश्वर का वचन जो है वो सचमुच में अनाज है, गेहूं है, और ये सपना दर्शन भविष्यवाणी वो सब कैसा है, भूसा समान है। ये चीज कितने बार मैंने बताया, फिर भी लोग कुछ गलत समझते हैं। देख परमेश्वर का बहुत महान एक दास है, वो साउथ का नाम वगैरह नहीं लेता क्योंकि वो जिंदा है, बहुत अच्छा भाषण देते, वो पिछले दिन ऐसे भाषण दे रहा था कि ऐसे झूठा भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं जाए। मैं आपको कभी नहीं कहा, मैं ये पवित्र शास्त्र से ऐसे अपशिक्त लोगों को आपके सामने लेकर आकर ये दिखाना चाहता कि इनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर। आमीन। मैंने कभी जिंदगी में किसी को मैं नहीं बोला कि भविष्यवक्ताओं को ढूंढ के जाओ, अगर आप जाते हैं तो मैं आपको रुकाएगा भी नहीं, ठीक है, कि ये मेरा विषय वो नहीं है। मैं तो परमेश्वर के चुने हुए जनरल्स को, परमेश्वर जिसको सल्यूट मारते ऐसे लोगों को आपके सामने पेश कर कर जो बात मेरे वचन से सीखा वो आपके साथ बांटने का यत्न करता है। कभी कभी वो व्यर्थ में परिश्रम है, लेकिन माफ करना, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। All these great saints have been inspiring me a lot. ये लोग मुझे बहुत उत्तेजित करता है, ये सोचकर मैं उत्तेजित हो जाता है कि इनका परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर। उन्होंने वापस ऐसा ही किया, सुंदर देश में उनको लेकर आया, उनको खिलाया पिलाया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को प्रकोपित किया, देश को निकम्मा जाना। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहना नहीं मानना। Look at that. They murmured in their tents. They did not obey the voice of the Lord. वापस वही करता है, कितना भी चिन्ह चमत्कार क्यों न करे, कितना भी अद्भुत रीति से क्यों न खिलाए, फिर भी वो लोग बलवा करते थे, नहीं है? वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहना न माना। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूंगा, नहीं है? तो यही वो लोग करते आया, लेकिन ऐसे कामों के बीच में कुछ लोग हमेशा बिछुई करने के लिए दरार में घुसता था। Some would get into the breach and intercede. परमेश्वर को क्रोध को ठंडा कर देते। Yes, Lord. ऐसे इंसान की भाषा में कहूं तो वो लोग बर्फ का पानी लेकर एक बकेट में लेकर जाता और परमेश्वर का क्रोध निकलता, उसके ऊपर पानी फेंकता, उसको ठंडा कर देता।
और परमेश्वर इससे क्रोधित होता है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात क्यों कहता? मेरी माँ बहुत अच्छा से हमें हमारा गुण सुधार करता, डांटता और मारता, थोड़ा सा ज्यादा ही मारती थी, ठीक है, फिर भी हम है ना जिंदा एक पीस में। तो कभी कभी मेरे छोटा भाई को मारता, तो जब वो मारता है थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर जाती थी उसको मारे, और मुझको बुलाएगा, मैं उसको ऐसा मारती, तू कहां था, तू रुकाने के लिए कहां, तू क्यों नहीं रुका है मुझको, अरे मेरे हाथ से वो निकालने का था, क्या है वो झाड़ू। तो शी एक्सपेक्टेड मी टू इंटरव्यू, मैं वो तस्वीर कभी नहीं भूलता। इसलिए मैं कुछ कुछ गीत में परमेश्वर क्रोधित हो शब्दी में बदल के गाता था, परमेश्वर दुखी होता, माय सिंस डू नॉट प्रोवोक हिम टू एंगर बट माय सिंस ब्रेक हिज हार्ट। मेरा पाप जो गलती जो है मूर्खता जो है परमेश्वर को क्रोधित नहीं करता, परमेश्वर को रुलाता रुलाता, दैट ब्रेक्स माय हार्ट। इफ समबडी शाउट्स एट मी इट्स गुड, but if someone has to weep before because of me, then it should melt my heart as well. नहीं है? तो ये तब थावर, ये तब पृष्ठभूमि, इसके लिए परमेश्वर इन लोगों का बहुत आदर करता। उसका 29 पढ़ना है, यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फुट पड़ी। ये देखा दे provoked the Lord to anger with their deeds and a plague broke out among them। परमेश्वर क्या करता, परमेश्वर ने अनुमति दिया ऐसे महामारी उसके बीच में फैलने के लिए, नहीं है? तो ऐसा वहां लिखा है, नहीं है? तो क्या हुआ, तब फिनेहास ने उड़कर न्यायदंड किया जैसे मरी थम गई। Then another man stood up, फिनेहास, ये दूसरे एक मनुष्य। ये परमेश्वर का वचन में ऐसे लोगों का नाम लिया जाता, वे बड़े आदर के योग्य हैं, वे हमारा आदर्श पुरुष बन सकता है। They could be our models. They have set the right example. एक फिनेहास कड़ा हो गया, फिनेहास ने मारा, दंड दिया ताकि बाकी बच गए, मारी थम गया। कभी कभी ऐसे लोग परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन लेता है, नहीं है? वो डांटता है, कभी कभी दंड देता है ताकि बाकी बच जाए और परमेश्वर का भाई माने, बाकी लोग भाई बने रहे उसके बीच में, नहीं है? और परमेश्वर उसे प्रसन्न होता, नहीं? तो फिर ने हाथ जोड़कर न्याय दंड दिया जिससे मरी थम गई और ये उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। Oh, look at that. Yes. God was so pleased that he has decided to bless his generations to come. परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ, परमेश्वर ने निर्णय लिया, लिख के भी रखा कि पीढ़ी पीढ़ी से उनका वंश आशीषित किया जाएगा। That God is our God. उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हारून का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, नहीं है? और किसका नाम लिया था, शमूएल का परमेश्वर, फिनेहास का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है भाई। इतना कम वचन लिखा है, बहुत जल्दी खत्म करना है, लेकिन क्या करूं थी मैं आज एकदम अच्छा कंट्रोल में नहीं है। ये पास्टर तो मैं बहुत ज्यादा आदर करता हूं, वो अभी नहीं है, जो नहीं है उसके सब नाम भी बोल सकता था, मैं उसको टी ऑफ चेक करता, मैंने उसको देखा नहीं है। तो सबसे पहले मैं उसको भाषण सुना तो मुझे लगा ये एक अलग तरह का आदमी है, ये साधारण पास्टर। तो जितना कुछ उसका सुनने को मुझे मिलता उतना मैं सुना, ढूंढ के किधर से भी कुछ मिलता वो मैं पढ़ता सुनता। ये आदमी मूसा की तरह एक आदमी, सबसे नम्र और दीन एक आदमी, उसके सारी पुस्तक उसको ऊपर ही है, दीनता और नम्रता उसको ऊपर बहुत ज्यादा लिखता है, एक अजीब मनुष्य है।
अजीब मनुष्य है। अगर उसका हाथ मेरा सिर पे रखता मैं ना नहीं गया, ठीक है, मुझे उसका सौभाग्य नहीं मिला है, छोड़ो। और मैं बहुत अचंभित हुआ कल एक बात सुनकर, यही पास्टर जो इतना नम्र है, इतना दीन है, कुछ भी कोई भी पाप करेगा तो वो जमीन पे अपने आप को लटाते और रोता और कहते ये मेरा पाप के कारण, ये मेरा गलती के कारण है। सेवक लोग, जो सेवक लोग है ना, मास्टर लोग है, ये चीफ मास्टर, उन लोगों में अगर कुछ गर्व और कमंड दिखाई दिया, ये पास्टर उन लोगों को उठाकर फेंक देते हैं, उनने कभी सेवा नहीं करता। ये मैं पहली बार सुना, इतना नम्र आदमी है, क्यों करता था? यही कारण है, जो फिनहास ने किया, वो उनसे नफरत करते, उसका कारण नहीं है। लोग परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के सम्मुख झुक कर छले, उसके लिए है। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होता है। खत्म हो गया अपना 31 तक आया? नहीं, हाँ बड़ा पढ़ लिया। कैसे आप नहीं बोलते हैं? पढ़ लिया। आपको मुझे इधर रुका के बैठे क्या मिलने वाले? लोग नाराज हो जाते हैं। हम चले जाते हैं वहां से इज़ेकियल में जाते हैं। इज़ेकियल अभी मुझको नहीं पूछने का, इधर इतना जल्दी इज़ेकियल कहां से आया? इज़ेकियल तो पहले भी हमने देखे थे, नहीं उसका 14 का 14 क्यों नहीं पढ़ता है? बहुत जल्दी। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। अभी परमेश्वर और तीन जन के नाम। यस, तो परमेश्वर के लिस्ट में और भी लोग हैं। है भैया, अरे कुछ लोग जिसको गाली देते हैं, ऐसे लोगों का भी नाम है। कौन कौन है ये लोग? नूह है, दानियल। नूह है, वो बोलते कि नूह तो बहुत गलत काम किया था बाद में, नहीं क्या? डर गया था, वो संदेह किया था, इसके लिए बलि चढ़ाया था, इसके लिए परमेश्वर को क्रोध। परमेश्वर कहते ये लोग धर्मी पुरुष है, इसलिए हम उसके बारे में कभी कभी चर्चा करते हैं, उसमें क्या बड़ा गलती है। परमेश्वर यहोवा कहता है अभी ये लोग भी खड़े हो जाए। वो उसका उसका जो उसको जो रीति है ना, उसको वो जो कैसे लिखा वो ध्यान दे, ये लोग भी आखिर खड़े हो जाए। मैं उनके अपराधों की क्षमा नहीं करेंगे, उन लोगों का नहीं, मनुष्य जो जो जाति, सॉरी परमेश्वर के जो जन के नहीं है, उसका मतलब ये लोग का इतना परमेश्वर आदर करता, ये लोग भी आए, नूह आए, नहीं है, दानियल आए, अय्यूब आए, तो भी। तो मुझे लगता है एक संभावना है परमेश्वर इनका सुनकर कुछ करेगा। उसका मतलब इनका सुनकर परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है, किया है, इसलिए इसे कहता है, नहीं है। अभी मुझे लगता है कि नूह का परिवार बच गया सिर्फ नूह के कारण। आमीन, आमीन, नहीं है, आमीन। हम भी बन गए उसके कारण, नहीं तो हम नहीं बनते, नहीं है। अपना पिताजी, नहीं नहीं, जो भी है वो दादाजी, वो है नूह, नहीं है। हम नूह के संतान है, नहीं किसी को अच्छा नहीं लगते, हम अब्राहम के संतान है, ठीक है। कहता है इससे लोग भी मेरे सामने आकर खड़े हो जाए, मुझे रुकाने का यत्न करे, बिछवई करे, विनती करे, तो भी मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। इसका मतलब परमेश्वर इनका मानने वाला है, नहीं है, इसलिए वो इसे बातें करता। अब ये सारे चीज छोड़कर कुछ कर मैं इब्रानी में आया, दो कारण इब्रानी उधर क्यों आया, क्योंकि जब मैं ये लिखता था एक्स लिखने के बाद उधर इब्रानी लिखने के लिए जगह नहीं था, ऊपर जगह खाली था, तब मैंने उधर लिखा। बाद में आई वेंट जस्टिफाई, मैं क्यों उधर लिखा उसका जस्टिफिकेशन करने के लिए मैं अभी वही पढ़वाती हूं आपको। 11 से आप 39 ही पढ़ो, 39 ही पढ़ो। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। ये इनको प्रमाण पत्र किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। जितने भी लोगों के बात हम आज करेंगे,
जितने भी लोगों के विषय में हमने पिछले इतवार को सुने थे, these are all certified by heaven. परमेश्वर से प्रमाण पत्र पाए हुए लोग हैं, यस अबे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है लोगों के विषय में बात करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रमाण पत्र दिया। These are the people certified by heaven. नहीं है? लेकिन उसके साथ में कुछ लिखा है, क्या है? तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। प्रतिज्ञा की हुई वस्तु उनको नहीं मिला, नहीं है? वे लोग ऐसा ही गुजर गए, एक चीज को पकड़ते हुए वो लोग उनका दौड़ को पूरा किया, वो स्वर्गीय आशा। उनको पता था जिसने प्रतिज्ञा किया है वो उसको पूरा भी करेगा। मैं मिट जाऊं तो भी आने वाले पीढ़ियों में प्रभु ये पूरा करेगा। ऐसे कहने वाले को परमेश्वर ने एक सर्टिफिकेट लिख के दिया, हेवन इज प्लीज्ड विद यू। प्रभु जरूरी नहीं है उसको सब कुछ मिला। कल परमेश्वर के दास का गवाही में सुन रहा था, बहुत सुंदर गवाही है, सुनते सुनते तो टाइम कैसे जाते वो भी पता नहीं चलता, बहुत गरीब आदमी था वो, मछुआ, उसको प्रभु ने बुला लिया और उसके पास अभी क्या नहीं है, मकान के ऊपर मकान है। कहा जाता है कि उसका जो जो प्रार्थनालय है, प्रार्थनालय कहते भवन जो है उसके जो फेतों में, वो बोलते हैं कि वो केरल में सबसे सुंदर है, मुझे देखने को मौका नहीं मिला। ऐसा सब है, बहुत 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 कुछ पाया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होता है, कुछ नहीं पाया तो भी हाथ उठाकर कहा मैं जय बंधुओं। हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो प्रमाण पत्र है, वो स्वर्ग से पाया हुआ है, जिसका आदर मनुष्य करता है वो आदरणीय नहीं है। अच्छा परमेश्वर का वचन कहता है जिसको परमेश्वर मानता है वही आदर के योग्य है। ऐसे है ये लोग, उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जब मैंने मांगा मुझे कुछ नहीं मिला, उससे ये स्थापित नहीं किया जाता कि वो मेरा परमेश्वर नहीं है। नहीं है, हाँ। यस लॉर्ड, यस, यस काली टोकरी लेकर, काली बर्तन लेकर ये लोग अंत तक चला, बलवा नहीं किया, कुड़कुड़ाहट नहीं किया, परमेश्वर को गुस्सा नहीं किया, लेकिन बाकी लोगों को परमेश्वर ने खिलाया पिलाया, सुंदर देश दिलाया, नहीं है चिन्ह चमत्कार किया, सारी लड़ाई में जीत दिलाया। वे लोग कुड़कुड़ाते बलवा करते, नहीं है फर्क है, ये लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते। यस, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड फ्रॉम माय इन्फेंसी it is not necessarily the man on whom all the blessings have been heaped upon is the most blessed man. bachpan se mera hriday mein aise soch hai, jo manush ko par sare tarah ki sampatti aashish har tarah ki cheez aise barsaya gaya hai, zaruri nahi hai wahi sabse zyada aashish manush hai, sabse zyada dhany manush hai. main vishwas nahi karta क्योंकि ऐसे लिस्ट में फिर मुझको बहुत सारे अंबानियों को भी शामिल कराना पड़ेगा, नहीं है? तो उसका मतलब जितने लोगों ने, जो सेवक लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, बहुत बड़े धूमधाम से रहते, वो लोग पापी लोग हैं? नहीं, वो परमेश्वर का अनुग्रह से नहीं है, नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, इसका नाम लिया गया है इब्रानी 11वां अध्याय, द हॉल ऑफ फेम, द हॉल ऑफ फेथ। वो अध्याय परमेश्वर के जनरल्स को परमेश्वर ने वहां लेकर आया है और डॉट 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 डालकर रखा है अनेकों के नाम लिखने के लिए। जरूरी नहीं है वे लोगों ने जो मांगा वो सब उसको मिला, वे लोग फिर नहीं चलते रहा परमेश्वर के दृष्टि में, वो लोग बहुत आदर के योग्य पुरुष है, नहीं है स्त्री भी है, नहीं है। अगला एक वचन है वांग में पड़ेगा तो मुझे तसल्ली दिलाने के लिए, तो इब्रानी में बाद में भी पड़ा ऐसा मुझे लगना चाहिए इसके लिए, ठीक है? मेरी सहायता कीजिए। ओके, दानियल पे चले जाते, हमने छोड़ा था उसको, माफ करो दानियल,
परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। अभी मैं एक सवाल करता हूं, जो परमेश्वर का कहना मानकर उसके पीछे हो लाता, वो लेता लेता, वो सब फर्स्ट रैंक लेगा? नहीं, जरूरी नहीं। इनको परमेश्वर ही ने राजमहल में पहुंचाया। यस, इतने ऊंचे दर्जे का काम करने के लिए, जिम्मेदारी को निभाने के लिए नियुक्त कराया। कराया। अगर प्रभु ऐसा करता तो ज्ञान भी देगा। अगर इनमें से कुछ लोगों को मछुआ बनाने का है तो शायद उसको डॉक्टरेट नहीं देगा, उसको मछली पकड़ने को सिखाएगा। जहां प्रभु मुझको और आपको नियुक्त करता और जिस उद्देश्य से प्रभु ने मुझे बुलाया है, आपको बुलाया है, उसके लिए निपुणता प्रभु की ओर से हम पाएंगे। आमें। आमें। जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट रैंक लेंगे हमेशा। ऐसा मैं गाँव गया था, प्रभु से हसी मैं छुपाया था, वहां जाके मैं एक दास का, मेरे सीनियर एक आदमी, उसने एक किताब लिखा है, उसके विषय में लिखा है, तो उसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। वो बहुत ही गरीब घर का, उसका तो बता भी नहीं सकता, इतने गरीब घर का, उसका गरीबी का एक वर्णन दे रहा है। तो एक अंडा नहीं खाने वाला, माफ करो, ठीक है, कुछ लोग खाते हैं, पापी लोग अंडा खाते, कुछ एक अंडा उसको कहीं से मिला, समझो एक ज्यादा से उसके जो पड़ोस थे उसको एक अंडा, उसको उबालता, आठ बच्चे, तो एक धागा लेता। अब लोग को मालूम है कि कैसे अंडा काटने का उबाला हुआ है, आपको नहीं आप सब चाकू से, आप तो चाकू से काटते, चाकू गुस्सा करेगा, ये ऐसा आठ टुकड़ा करता और एक टुकड़ा के लिए लोग लाइन लगाते थे, ये बच्चों को अभी पता चला वो लोग कैसे एक परिवार के हैं। और ये SSC में दो बार फेल हुआ, कितने बार? दो बार, दो बार, कुछ लोग पांच छह बार फेल हुए लोग हैं, वो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। तो उसको किसी ने बताया, जो विषय में तू फेल हुआ ना, सिर्फ वो विषय लिखो, ऐसा भी पास हो सकता है, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमारे जमाने में ऐसा लिखेगा तो कोई वैल्यू नहीं। तो ये आदमी ऐसे लिख के पास हो गया, उसको एयरफोर्स में नौकरी मिला, तब तक वो प्रभु में आया। मेरा बड़ा भाई एयरफोर्स में था, उसको विषय में नहीं कहता, आप करना, उसका दोस्त है, उसको एयरफोर्स में नौकरी मिला। और इसको ना अंग्रेजी आता ना कुछ आता, और एयरफोर्स में एक ही भाषा, वो अंग्रेजी, उसका दूसरा कोई भाषा नहीं, बाकी सब फोर्सेस में, डिफेंस में और नेवी में सब हिंदी बोलता है, उधर अंग्रेजी, सब अंग्रेज है उधर का, ये भी बहुत बड़ा अंग्रेज बन गया। परीक्षा ना करेगा, लिखा, फर्स्ट रैंक है, हायर लेवल का परीक्षा लिखा, उसमें भी फर्स्ट आया, ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में यार, ऑल इंडिया में। तो बोला कि आगे बढ़ने के तो स्पोर्ट्स भी चाहिए, ये बोला ठीक है मैं बास्केटबॉल खेलूंगा, वो एयरफोर्स का बास्केटबॉल कैप्टन बन गया। मुझे बोला तो फुटबॉल खेल सकते, फुटबॉल कैसे, मैं कुछ भी खेलूंगा, फुटबॉल का कैप्टन बन गया, एथलेटिक्स में भाग लिया, टक 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 करके उसको पायलट बनने के लिए चुन लिया गया। तो प्रभु ने प्रार्थना में समय में बोला उसको, तू पायलट नहीं बनोगे, मैंने तुझे चुन लिया है, उकाब के पंखों पे उठाने के लिए मैंने चुन लिया, तो मेरे से वो कर गया। तो मेरा कहने का मतलब है, उसको अगर फर्स्ट रैंक मिलता है, SSC में अच्छा नंबर लेता, वो कुछ भी पढ़ता हो, किधर भी जाके क्लर्क का काम करता, वो नाराज होकर इधर आया, मुंबई में ऐसे पागल की तरह चलते रहा, पेपर नाराज, ये किया वो किया, इतने में उसको किसी ने बोला कि तू उधर जाके ट्राई करो एयरफोर्स में जाके, उसको भर्ती हुआ। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि परमेश्वर की ओर से कृपा पाए वो सब लोग फर्स्ट रैंक नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर हमें किधर भी नियुक्त करता, वहां सबसे श्रेष्ठ रीति से कार्य करने के लिए हमें निपुणता देगा, बुद्धि देगा। यस, मेज पे सेवा करने के लिए बुलाया हो, ऐसा आप पकाएंगे, ऐसे आप परसोगे, यू विल स्टैंड आउट,
यू विल स्टैंड आउट, वही इनके साथ हुआ। हम आगे बढ़ते हैं, हम दो का 44 में पढ़ते हैं। जी उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जात के हाथ में किया जाएगा। कभी कोई कल्पना भी कर सकता था क्या इससे बात तुक? वो जमाने में बाबिलोन की जो साम्राज्य के टाइम में कहता है, उसके बाद पारसी साम्राज्य आएगा यहाँ, उसके बाद यूनानी साम्राज्य आएगा, ग्रीक साम्राज्य आएगा, उसके बाद रोमा साम्राज्य आएगा, नहीं है? उसके बाद ऐसे मिट्टी और लोहे का जैसा अभी का डेमोक्रेसी होएगा, उसके बाद एक राज्य की स्थापना होगा, नहीं है? यस। ये ऐसे प्रकाशन अगर परमेश्वर उन दिनों में दिया करता तो आजकल भी अगर देता तो मैं क्यों मना करूं? मैं इसका विरोध क्यों करूं? तो कुछ लोग कहते हैं अभी वचन पूर्णता में दिया गया है तो परमेश्वर क्यों बात करे? वो परमेश्वर को पूछो, नहीं है? परमेश्वर कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ चीज प्रकाशित करके देते हैं, लेकिन वो नियम नहीं है। दैट इज नॉट द लॉ, इट इज नॉट ए डिक्री, इट ओनली एम्फसाइजेस और क्लैरिफाइज व्हाट गॉड हैज स्पोकन। ये दर्शन और भविष्यवाणी के आधार पर जीवन नहीं बनाया जाता, लेकिन जो बात प्रभु ने हमसे किया है, जो बात का प्रकाशन प्रभु ने दिया है, उसको स्थापित करने के लिए होता है ये सब चीज। अगर वचन के आधार पर नहीं है, वचन से थोड़ा सा भी हटकर होता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। दर्शन तो हम बहुत दिखते हैं, नहीं है? हम आगे बढ़ते, इतने महान बात जो आज भी अनेकों का समझ में, मेरा भी समझ में नहीं आता, ये बात प्रभु ने उन दिनों में उनको बताया था, समझाया था। 3:25 फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि न हुई, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ये राजा के था? हाँ, अब नहीं, नहीं राजा के था, नबुंदी से राजा। जो चीज में भी नहीं देखता वो परमेश्वर दुश्मन को दिखाता है, उसको खिला देता है। यस यस लॉर्ड। हमें लगता है अकेले चलता है, आप अकेले नहीं चलते। यस लॉर्ड। आई नेवर वॉक अलोन, मैं कभी अकेला नहीं चलता। आमेन। आमेन। मेरे संग चलने वाला है वो स्वर्ग दूत है, मेरा अंग रक्षक है। आमेन। मैं नहीं देखता कभी कभी, मैं रोते हुए कहता मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं, बिरारी मुझे तर पाता, प्रभु तू क्यों नहीं देखता? सेना चलता कभी कभी सेना। यस। पिछले दिन हमने देख लिया याकूब के लिए पूरे स्वर्गीय सेना। मेरे एक साधारण मनुष्य की कहानी जो सही घटना मैंने सुना, एक मास्टर जी इतना जगह खरीदा एक प्रांत में, उसके नाम नाम नहीं बोलता मैं, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए था, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री उसको उठाया और कहा ये जगह मुझे चाहिए, मैंने एक बहुत बड़ा प्रबंध बनाया है उसके लिए, तुम लोग और किधर भी ढूंढो, उसका जो भी पैसा है इसमें मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये पास्टर घुटने पे आया, सारे लोग घुटने पे आया, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, ये बोला हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बोला कि मेरे वचन में ऐसे सब नहीं लिखा है, मेरे वचन में लिखा है कि जो भी चिट्ठी आते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख रख देना है। यस। प्रार्थना करता मैं ठीक उसको विस्तार में नहीं बताना चाहता, जो मुख्यमंत्री ने इसको रुकाने को कहा, आज्ञा दी उसको, वो दोबारा चिन्ह लेने के लिए गया वो मुख्यमंत्री, उसके पास ज्यादा दिन नहीं, मैंने कहता कि लोगों को मार डालो,
उसमें कोई दिलचस्पी नहीं नहीं है, ये सब इंडिया की कहानी है। और उसका पार्टी के लोग बांट के आया, पास्टर के पास आया, हमें पता चला पास्टर जी हमारी मुखिया ने गलती किया, yes. आपको जगह वापस आपका है। उसके सामने बहुत बड़ा रोड बनाया, इतना बड़ा एक मैदान खाली डाला, वहां इंटरनेशनल कन्वेंशन आज भी चल रहा। ओ प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी परमेश्वर स्वर्ग दूतों को सेना को भेज कर दुश्मन का तितर बितर कर देता है। कभी कभी उठाना पड़ता तो बोले तो कुछ लोग कहते ऐसे सब वचन क्यों बोलता। मैं तो बार 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 अनेक परमेश्वर के संतों के मुंह से ये सुनता, वो लोग जाना माना लोग नहीं है, प्रसिद्ध लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए ऐसा कार्य करता है, कौन उसको रुका सकता। आगे बढ़ता, पांच का सत्रह में चले जाता। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरों के दे। ये मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे बहुत पसंद है। अरे कुछ पाने के लिए सेवकाई नहीं करता। यस लॉर्ड, अमें। हां प्रभु, रखो तुम्हारा सब तुम्हारे पास ही रखकर। यस नहीं है, अमें। हम भिखारी नहीं, नहीं है, अमें। पकड़ो। अरे कुछ लोग रोते हैं कि हमारा तो चर्च में सबसे ज्यादा दान देने वाले ये, तो उसका ट्रांसफर हो गया, तो उसका ट्रांसफर हो गया, तो तेरा सेवक आई है क्या? सेवक आई है, हमें तो हंसी आती है ऐसी बात सुनकर। अगर परमेश्वर की सेवकाई है, परमेश्वर जानता कैसे चलाना। अरे ऐसे ऐसे सेवक लोग होना भिखारी की तरह नहीं, आज फैलाने वाले नहीं, दूसरे से उधार देकर नहीं लौटाने वाला नहीं, सेवक लोग है। सेवक लोग ऐसे होता है, कल एक सेवक बोलता था मुंडी ऐसे ऊपर करके सर ऊंचा कर कर मैं चलूंगा, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, भूखा मरे तो मरूंगा। नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के दर्शन पाया उसको मैं प्रकाशित करूंगा। उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर, आमीन। उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उनके दफ्तर में क्लर्क बना के नहीं बिठाया, नहीं, 120 ऐसे देशों के ऊपर चीफ गवर्नर, आमीन। अब परमेश्वर का काम है भाई, नहीं है? तो वही परमेश्वर का दास है। उस स्टीफनुस जो मेज पर सेवा करने के लिए बुला गया तो वो कम दास है, नहीं, कम दर्जे का, नहीं, he is an excellent man in his own field, the most outstanding. Daniel in his own field, the most outstanding. I will be the most outstanding in my field if God has placed me there. Amen. Yes. Daniel को जो पद पर नियुक्त किया उसे सबसे श्रेष्ठ मनुष्य। Amen. स्टीफनुस को जिस पद के लिए चुन लिया उसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य वो। Amen. सीके को जहां लगा के रखा है वहां अति श्रेष्ठ बनना है। परमेश्वर उसके लिए कृपा देगा, कृपा देगा। दान के लिए, दूसरे की जो जो स्वीकृति है, सम्मान के लिए, उसके लिए सेवकाई नहीं करता है। हम परमेश्वर के पीछे इसलिए नहीं हो लिए है। आगे बढ़ते छे का पांच। तब एक लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी के विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सके। वाह, और बच्चा वो लोग दोष ढूंढ के चला, गलती ढूंढ के चला, कुछ नहीं मिला। उसने चोरी किया, उसने उधर से लिया था वापस नहीं दिया, नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं मिला। घोटाला कर पैसा कमाया, ऐसा कुछ नहीं मिला। Yes. विश्वास के बात कहकर इसको फंसा सकता है, ऐसे लोग नहीं है। ऐसे लोग नहीं, बार बार गलती करता है उसके कारण अगर डांट पड़ता तो उसमें कोई प्रतिफल नहीं है, उसमें कोई प्रतिफल। विश्वास के विषय में मार खाओ, धन्यवाद। ये लोग थे बहुत ऐसे ढूंढ ढूंढ कर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। सबसे महान मोक्षक दिखता कौन है? यीशु क्रिस्त है।
ने ढूंढा 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 कुछ नहीं दोस्त पाया। यस लॉर्ड वो ये वहां के पॉइंट था ये सब लेफ्ट और स्पिल ओवर है इतनी अब बीते हुए दिनों का बहुत जल्दी आगे पॉइंट। हां सार का कह रहा मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको उसके पास समीप ले गए। ये तो दो जन लगता मुझे, एक तो अति प्राचीन है वह और ये मनुष्य सा दिखाई देने वाला एक पुरुष वो शायद धरती से आ रहा। हाँ और जाते कहा सिंहासन के पास, अति प्राचीन के सिंहासन के पास एक मनुष्य जैसा एक व्यक्ति जा रहा है नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पिता ही पुत्र है, एक ही परमेश्वर है। उसका यूट्यूब पे जाएगा तो बहुत ज्यादा वाद विवाद चालू हुआ है। पिताजी ने ही जीवन दिया है क्रूस पर, तो तब मुझे पता चला कि परमेश्वर मर सकते हैं। वो लोग बोलते मर सकता है, ठीक है हो जाएगी, अब वो उसमें नहीं घुसता। यहां तो वो जमाने में वो लोग सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर के सिंहासन के पास क्या दूर से नजर उठाकर देखने के लिए भी किसी में भी योग्यता नहीं था। इसलिए सिराफ लोग नहीं देखते, करूब लोग नहीं देखते, लेकिन यहाँ एक योद्धा की तरह मनुष्य सा जीता है वो। वो चल के जा रहा है, बादलों में से होकर आ रहा है, अति प्राचीन के सिंहासन के पास जा रहा है। अगर ये स्वर्गीय दर्शन नहीं है और क्या है? ऐसा दर्शन पाना है। आज भी परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपना के द्वारा कुछ कुछ चीज प्रकाशित करता है, लेकिन वह वचन के आधार पर होना अवश्य। अभी मुझे पता चलता ये मसीहा है। अमें। 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 मारे वो से जुड़ कर सारा अधिकार प्राप्त कर कर सारे सिंहासन के ऊपर नहीं है, सारे अधिकार के ऊपर, सारे शासन के ऊपर राज्य करने वाला राजाओं का राजा बड़े जयवंत होकर चल के जा रहा है। निसंदेह पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास जा रहा है और प्रकाशित वाक्य में बढ़ता है सिंहासन के बिल्कुल मध्य भाग में वध किया गया मेमना खड़ा है। व्हाट एन रेवलेशन। कभी टाइम मिले तो ऐसे लोगों के पास और एक बार जाने में क्या बड़ा गलती है। ऐसा प्रकाशन परमेश्वर ने उनको दिया था, उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर। अगर ये वहां नहीं लिखे जाता अनेक तरह के संदेह हमारे मन में आता, गड़बड़ी में आता। हम त्रय परमेश्वर के विषय में हम जानकारी बहुत हमें बहुत कम जानकारी मिलता है। उस जमाने में दानियल जैसे महान संत को परमेश्वर ने यह वाक्य को प्रकाशित करके दिया। सिराफ और खरूब नहीं जा सकता, नजर उठाकर नहीं देख सकता, लेकिन अंतिम समय में एक मनुष्य अति प्राचीन के सिंहासन तक जाएगा। आगे बढ़ो, उसमें और भी कुछ लिखा है। मनुष्य का विषय पढ़ लो। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरे। ये दाऊद नहीं है, नहीं है ये सुलेमान नहीं है वो प्रभु मसीहा है। यस आई लव दिस गॉड। यस ओ प्रभु आई लव द गॉड ऑफ द प्रॉफिट्स। ऐसे नबियों का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम उससे प्यार करते हैं। आगे परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। उधर से भी आगे गया। यस उधर से भी आगे गया। अब एक राजा, प्रतापी राजा, सारे देशों को ऊपर, सारे शासनों को ऊपर अधिकार करेगा, राज्य करेगा। आप कहते हैं उसके संत लोग करेंगे। किंग शल रेन इन राइटियसनेस, आमेन, एंड हिज किंग्स विल रेन विद हिम, आमेन। एक प्रतापी राजा धार्मिक धर्म से राज करेगा और उसके राजा लोग भाग करेंगे, सात राज्य
करेंगे। दानियेल ने देखा मुझको और आपको राज करते हुए यीशु राजा के साथ। यस ओ प्रभु हालेलुया। यस इसे गाना आप क्यों नहीं गाते? यस लॉर्ड दिखा नहीं था इसके दानियेल तो दिखाया था मेरे प्रिय भाई और बहनों आपके चेहरा छोटा है दुबला है पतला है मेरा जैसा बेटू है परमेश्वर के संत लोग हम आगे बढ़ते हैं हमें वहां से होशे में जाने नहीं होशे में एक का दस पढ़ते हैं। तो भी इसराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी जिनका मापना गिनना अनहोना है और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था तुम मेरी प्रजा नहीं हो उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र कहलाएंगे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे कहलाएंगे परमेश्वर के दास खबर प्रचार करता कि जुना नियम के किसी के भी विषय में परमेश्वर का पुत्र कर नहीं बुला परमेश्वर कहते हुए मेरा एक मेरा पहला उठा yes. ये पुत्र कहलाया जाएगा। लेकिन आज इसराइल देश एक करोड़ लोग भी नहीं है आपको पता है mm-hmm. ये बात पता है ताना में जितने लोग हैं उसका एक अंश भी नहीं है यह कहते कि के बालों के कण के हो जाएंगे उनका मापना गिनना अनहोना और स्वर्ग में भी एक दृश्य दिखाई दिया और बोलते हैं कि वो इतने अनगिनत लोग हैं सब नाचते उनमें भी आप हैं मैं भी रहूंगा सिंहासन के चारों ओर नाचेंगे करेंगे स्तुति मगन होकर नित नित काल करेंगे। ये सिर्फ इसराइल में बच्चे में कुछ लोगों के विषय में नहीं है ये इस्लाम मैं भी अब्राहम का संतान आमीन आप भी अंतरा अब्राहम के संतान हैं आप पुत्र कहलाया जाएगा आमीन अब ऐसा दिखता नहीं सिर्फ उद्धार पाया हुआ एक बल्कि दास में को लेकिन मैं पुत्र बनूंगा पुत्र बनने के लिए अधिकार जिन्होंने भी विश्वास किया उनको परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार दिया गया। अभी हम दास बनकर अधिक समय नहीं बने रहे हम पढ़ते चाहे नहीं है दुक्कर को खिलाने वाला चराने वाला बनकर हम नहीं रहेंगे आमेन हम दोबारा पुत्र बनेंगे आमेन यस लॉर्ड सजाया जाएगा आमेन जूतियां बनेगा आमेन स्मार्ट वॉच ये स्मार्ट वॉच नहीं है मैं क्यों स्मार्ट वॉच नहीं पहनता तो कुछ छोटा बेटा लौट कर आया ना उसको उसका पिताजी ने स्मार्ट वॉच नहीं पहनाया मैं वचन के अनुसार चलने वाला अधिकार काम गुड़िया होशे दो का 19 और जल्दी बहुत जल्दी उधर से आगे बढ़ा क्योंकि आप पूछेगा अंगूठी कहाँ है इसके लिए आपको समय भी नहीं देते तो बीच में आप घुसते दो का 19 पढ़ो मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा ऐसे परमेश्वर को हम जानना चाहिए आमीन आमीन यस लॉर्ड ये इससे गिरी हुई स्त्री को ये वेश्या स्त्री की तरह स्त्री को ये बलवा करने वाली औरत को यस लॉर्ड हालेलुया यस मैं मेरी बीवी बनाऊं हां प्रभु यस लॉर्ड अनेक लोग ऐसे समझते हैं कि जुना नियम का परमेश्वर बहुत क्रूर परमेश्वर है
पूर है, अब सिर्फ नया नियम के लोगों को परमेश्वर ने प्रेम किया है, हमें चुनाया चुन लिया। आपको पता है परमेश्वर का हृदय की गहराई क्या है। He goes to the extent of saying, you are my son. उसके बाद आके कहते हैं कि you will be my wife. इसके लिए जब 45वां भजन हम पढ़ते हैं, वो पटरानी को देखकर कहता है ये इसराइल है। स्वर्ग में क्या नाच गाना होगा, क्या खुशी होगी। आमेन। दो झुंड के लोग, आमेन, मूसा का गीत गाने वाले लोग, मेमना के गीत गाने वाले लोग, हालेलुया। ये पटरानी और उसकी बेटियां कितने सुंदर दिखती है, नहीं है? वर्णन सुन देखो 45 में, मुझे बहुत अच्छा लगता, बार बार पढ़ता मैं, मुझे अच्छा लगता हूँ। वो पटरानी बड़ी गमा गमा बोलेगा तो मलयालम है, स्टाइल में कैसे करिए, नहीं है? ऐसे आभूषित होकर ऐसे सब शब्द ऐसा कड़िया हो, क्या नहीं पहनी है वो, नहीं है? और उसके एक एक कुमारियों को देखो, वहां जब ओरा कड़ी है, रूत कड़ी है, एस्तेर कड़ी है, क्या एक 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 क्या चमकते है वो लोग, नहीं है? और हम तो ऐसे ही परदेशी थे, अन्य जाति के कीड़ा सवार है, मारे हुए थे, चुना हुआ नहीं है, उसकी प्रजा नहीं है, उसकी प्रजा नहीं है, ऐसे लोग है। अमें लाया जाता, लहू में धोता, शुद्ध करतो, अलंकृत करतो, सजातो, आप चमकने लगता, तारे समान चमकता है, सारे आंखें मेरे ऊपर है, आप ऊपर है। आपको कितना ऐसे भावना है मुझे पता नहीं, अब कभी उसके लिए भावना ज्यादा है। मैं देखता है कि ये पटरानी जो है ना, वो चुना नहीं, नजदीक नहीं जा रहा, इसके लिए कोने में कड़ी है, कौन? दुल्हन, यीशु की दुल्हन कड़ी है, नहीं है? लेकिन सासमा बड़ा स्टाइल में कड़ी बराबरी है ना। मैं मनीषी को उदाहरण, तो सासमा उसके कुंवारियां बेटियां है, तो वो कैसे करते, मुझे मालूम वो आदत बन जाए, ऐसे करते ना, अभी भूल गया कैसे करने को, मुझसे और ये बेचारी कोने में, बाद में पवित्र आत्मा उसको सजा कर ऐसे पहनाता है, वो फिर की सोना से अलग कर धोकर, ये लड़की क्या चमकती है। तो पटरानी का चेहरा ईर्ष्या नहीं आता, लड़के को बोलता है बहुत दुख नहीं होगी, कुछ ऐसे सिखाते नाराज हो, कोई नाराजी नहीं है, बड़े गर्व से देखो मेरी बेटी को देखो, यही स्वर्ग में होने वाला है। इसलिए वचन में लिखा आंसू नहीं होगा, नाराजी नहीं, लंबी सांस नहीं लिया, नो वन विल क्राई, नो वन विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड लुकिंग एट द ब्यूटी एंड ग्लैमर ऑफ द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। स्वर्ग में दो झुंड है, परमेश्वर की बीवी है, अमन पुत्र की दुल्हन है। अमन वारी पड़े होसे 2:20, यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। सच्चाई के साथ होगा। अमन दिस इज, ये एक क्या बोलते शॉर्टकट से कैसा भी करके करने वाली बात नहीं है, सच्चाई से किया है। ऐसा नहीं है कि सब फेल हो गया, उसको थोड़ा पास मार्क देके पास करा, ये सच्चाई से नहीं है। बुद्धि देगा, समझ देगा, आमेन, परीक्षा लिखने को सिखाएगा, अच्छा नंबर से पास कराएगा, फिर सर्टिफिकेट देगा, ये मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर। ये चार युवकों को कुछ बुद्धू लोग है, अगर इनमें कुछ बुद्धि नहीं है, अकल नहीं, कुछ समझता नहीं है, लेकिन उसका जो वैल्यू करने वाला आदमी है ना, वैल्यूएट करने क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन करने वाला, परीक्षा के पेपर को मार्क देने वाला को क्या बोलता है, एग्जामिनर थोड़ी है, वैल्यूएशन करने वाला एग्जामिनर ही है, लेकिन मैं हिंदी में पूछता हूँ ना, मॉडरेटर नहीं, वो ज्यादा ग्रेस मार्क देने वाला है। अरे औरत लोगों के पास ये पेपर है ना, टीचर लोग के पास जाते हैं, और लोग नहीं, आप भी लोग भी टीचर लोग हैं, वो लोग मार्क लेगा, इसको ये बराबर नहीं है, उसको 2 मार्क, इधर काट के 2.5 मार्क,
बाद में मॉडरेटर सब चेक करता, मैं ये करने वाले जो है वो इधर का लड़के लोगों से भी कराते हैं वो लोग, वो कौन है पेपर वैल्यू करने वाला, चलो समझ पर बात की, दूसरा वर्ड है मूल्यांकन करने वाला। हां ऐसा शब्द बोलो ना यार, मूल्यांकन करने वाला, ये भी नहीं आता आप लोगों को। तो परमेश्वर मूल्यांकन कर, मूल्यांकन करने वाले को ऊपर दबाव डाल के इसको ज्यादा मारते नहीं, ऐसा नहीं है परमेश्वर, परमेश्वर ऐसा नहीं है। मुझे कार्य याद आते बोलने के लिए समझ नहीं, उसमें मैं भी उसके लिए नहीं बोलता ठीक है, ये सत्य सीख लिया जाएगा। हमें प्रभु धर्मी ठहराएगा, मेरे हृदय की कुटिलता को वो दूर करेगा, मुझे धोकर वो साफ करेगा, मेरा मन का रूपांतर करे, मेरा स्वभाव बदलेगा, मैं संत बनूंगा, मैं सिद्ध किया जाऊंगा। हालेलुया, और पिता परमेश्वर के सामने निष्कलंक निर्दोष ऐसा पेश किया जाएगा। आगे पढ़ता हूं उसे दो का 23 है, मैं अपने लिए उस देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा और लोमी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। Such will be the bond once again. Amen. ऐसा गहरा रिश्ता है, ऐसा गहरा रिश्ता, ये एक भिखारी और स्वामी का रिश्ता नहीं हो सकता। I hate. सब लोग परमेश्वर को ऐसे परमेश्वर का तस्वीर ऐसे दिखाते, ऐसा नहीं है, ये पिताजी और पुत्र के समान। ये दुख की बात है, स्वर्ग में पुत्रियां नहीं है, तब ये लोग सब नाराज हुए, ये लोग सब पुत्र बने, कोई पुत्री नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में हम सब तुल्य है, हम सब उसके पुत्र है। कुछ लोग बड़े खुश हो गया, अब ये सर पे ये डालने का नहीं ना। हालेलुया, वैसा रिश्ता यीशु हमें ये बात बताया, मेरा पिताजी तुम्हारा पिताजी है, जैसा मैं उसका आपका पिता कर दिया था, तुम भी बुला सकोगे। ये बात उन दिनों में कह दिया गया, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा कहने वाला सभी वाक्य, मेरे प्रिय डैडी पापा पापा अभी और एक कहा इतने लोग अलग अलग तरह के बीमार लोग सब प्रार्थना कराने के लिए आता है। वो कुछ समय भी पहले की बात है, तो वो जमाने में इतना वो चर्च के लोग आज भी ऐसा प्रसिद्धि और मशहूर होने को नहीं चाहता, कोई कोई क्या बोलते हैं उसको, वो जो लगाते थे बार बार उसको बोल जाता, आज भी जाए जो लगाते हैं ना फ्लैक्स बोर्ड, हाँ वही फ्लैक्स बोर्ड लगाते हैं, वो सब चीज नहीं करते वो लोग। ये आदमी कैसे प्रार्थना करते मालूम है, लेट था, अरे माइक लोग उसको उधर लेते, अब्बा 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 करके वो रोते, एक बीमार को लेकर अब्बा करके रोता, वो चंगा ही पाता है, उड़ के गले बजाते हैं, सिर्फ अब्बा बुलाते हैं, ये हमारे अब्बा है। और ये वचन को पकड़ के वो ऐसे रोता है, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, कहता अब्बा तू जानता, अब्बा तू जानता। अब ब्लेस्ड अब धन्य लोग हैं, समस्याओं के बावजूद, तकलीफ और दुख और संकट और नाराजगी और नष्ट के बावजूद, अब अति धन्य लोग हैं कि हमारा पिताजी सब जानता है, वो सामर्थ्य है, अमीन, वो तैयार है, अमीन। आगे बढ़ता हम 14 में जाते हैं, उसे 14:5 मैं इसराइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह शोषण के समान फूलेंगे फलेंगे,
और लबालोन के समान जड़ फैलाएंगे। इसको पर मैंने कई बार मनन किया। ये और एक सुंदर वचन है, मैं बाइबल में ज्यादा अंडरलाइन नहीं करता क्योंकि मैं पढ़ता कम है, इसके लिए अंडरलाइन करता, पढ़ने वाला करते रहता, इसको अंडरलाइन किया है। वो मैं 13 बरस में मेरा मलयालम बाइबल में अंडरलाइन किया। तो 13 बरस का मलयालम बाइबल आज भी मेरा पास है और वो भी मैं पढ़ता, उसका मतलब है मैं पढ़ता नहीं है, पढ़ता तो कब का वो फटफट के टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, उसको अच्छे से बाइंड करके रखा है। इसका अंडरलाइन करने के कारण वो दिन मेरा जीवन में ही सब था, तब एक बुड्ढा आदमी हमारे चर्च में आया, उसने ये वचन पढ़ा, उसने कहा आपको मालूम है कि ये जगह कैसे ऐसे गर्म हवा बहती है, वहां रेती का आंधी आता है, सैंडस्टॉर्म को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, रेती की आंधी, हाँ ठीक है, रेती का आंधी के सामने आप नहीं कर सब कर पाओगे, वो आपको फाड़ देगा रेती, समझे, ऐसी आंधी आते हैं, इतना गर्म हवा बहती है, लेकिन वहां अति सुंदर देवदारू बढ़ती जा रही, दुनिया में सबसे सुंदर देवदारू वहां है, कारण आप जानता है रात को हो सके। परमेश्वर के दास ने कहा, कुछ लोग उसका भाषण, बहुत सारे लोग उसका भाषण सुनते नहीं क्योंकि वो इतना बुड्ढा है, दान तो बहुत कम है, उससे भी कम दान है, और जो बोलते तो शब्द बराबर आता नहीं, और मुझे वो आदमी बहुत पसंद है। मैंने इन चीज को पकड़ लिया, मैंने प्रभु को बोला है रात चलेगा, घोर अंधकार से भरी रात चलेगा मेरे जीवन में, लेकिन ओस गिरना चाहिए, ओस गिराओगे तो मैं आमीन कहूंगा, आमीन। इसके लिए वहां देवदार कैसे पड़े, आज भी प्रसिद्ध है लेबनान की देवदार, सीडार्स ऑफ लेबनान, there is no other cedar that can match the beauty and the height and the straightness of the tree. These trees are in great demand. Hallelujah. परमेश्वर हमारा परमेश्वर, रात नहीं होगा मैंने नहीं कहा, हमें तकलीफ नहीं होगा मैंने नहीं कहा, उस जरूर गिराया जाएगा। Amen. दो वचन मुझे बहुत पसंद है, बचपन से बार बार कह के आपको नाराज करता, इसके साथ में और एक वचन को मैं इसे पकड़ लिया है कि 13 सलाका चिपकी नहीं नहीं रहा, हाँ हाँ हाँ, 13 सलाका चिपकी नहीं नहीं रहेगा, रात काल में भी वो मुझे, इसलिए हम रात गुजरते वक्त तक इंतजार करते हैं और की तारा को उदय होगा, आगे बढ़ता, ये सांस से आगे बढ़ता, हम वेल में जाते हैं, हाँ जी, 1:14, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। ये भविष्य दत्ताओं का काम, to call people to repentance, fasting, उपवास रखने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, लोगों को आह्वान देना, ये लोगों का काम था। आज भी कलीसियाओं में उपवास रखा जाता, एक दिन नहीं 21 दिन साधारण है, केरल की तमिलनाडु की सब कलीसियाओं में 21 दिन उपवास, कोई कोई लोग 40 दिन उपवास रहते हैं, आज भी रहते हैं, अभी भी कितने कलीसिया में चल रहा है, ये बात मुझे पढ़ने को मिल रहा है, ये उपवास रहता जाता है, तो आज भी उपवास के साथ लोग परमेश्वर का मुख खोजते, थोड़ा सा फर्क यह है, ये उपवास एक अलग चीज, आजकल को उपवास गलत है ऐसा नहीं कहा, आजकल के उपवास में इतने लोग चंगाई पाते हैं, बहुत सारे लोगों को वीसा मिलता है, बहुत सारे लोगों को घर मिलता है, बहुत सारे चीज होते हैं, गाड़ी कितने सब कुछ मिलते हैं, लेकिन ये उपवास तो और खट्टी है, ये किस किसके लिए बुलाने को कहता है, वो उसकी दुहाई दो बोलता, हाँ और कुछ पढ़ने के लिए नहीं है तो आगे बढ़ो, कोई अच्छा है, ये तो पश्चाताप के लिए बुला रहा है लोगों को,
छाती पीट पीट कर रोने के लिए बुला रहा है। कल हमने बहुत सुंदर भाषण सुना और मुझे लगा क्या इस सब प्रचारक हमें चाहिए। मुझे चोट नहीं पहुंचाया उसने, उसने ये बात किया कि परमेश्वर क्या नहीं देख सकता, दे सकता हमको, मुझे अच्छा लगता हो परमेश्वर ने क्या उसको दिया है और वो क्या था, तो वो सुंदर बात। और बीच में कोई परमेश्वर के दास लोग आकर बोलते हैं कि तेरा हृदय में ये है, तेरे हृदय में ये कुटिलता है, पश्चाताप करो, ये सारे चीज मुझे दर्द दिलाता है, ये ऐसा भविष्यता है। बीच में उड़ कर वो जाते हैं लेकिन उनको स्टेज नहीं मिलता, उसको कोई बुलाएगा नहीं, प्रचार करने के लिए नहीं बुलाएगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को बेचता, आज भी बेचता है, आज भी बेचता है। शायद परमेश्वर हमसे भी यही कहता होगा, खाना छोड़ने वाली बात में नहीं करता, खाना छोड़ना गलत है नहीं, कुछ लोग उसको ही बड़ा बात समझता है, वो तो दुनिया वाले सब करते हैं, हमारा उपवास तो कुछ भी नहीं है। मैं मेरी बीवी को पूछू, उसका स्कूल में कुछ जैन बच्चे लोग थे, तेरे छोटे छोटे बच्चे लोग जो उसको क्या बोलते हैं अंदर जो आते लार बोलते लार भी अंदर नहीं लेता, उसको भी बाहर निकालते। कितने दिन छोटे छोटे बच्चे उपवास करते हैं, अपनी देवी देवताओं के लिए करते हैं, तब भी खाना छोड़ देगा और पेट में भी ऐसे चूहा भागेगा, उसे प्रभु खुश होता है। खाना किसके लिए छोड़ते लोग पता है, अगर ये खाना से उनका जो प्रभु के संग तो बैठने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों का दिल उसमें है खाना पकाने का, ये करना वो करना, तो उसको अलग से समय मिले। उपवास का अर्थ जानते हो, उपवास का अर्थ है संस्कृत में अच्छी तरह समझोगे, उपवास करना, प्रभु के संग चिपक के रहना, वो है उपवास। हमारे लोग उपवास करते हैं, यहाँ के एक 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 दिन में उपवास है, वो लोग खाना नहीं खाते, सुबह काम पे जाते हैं ठीक है, और बहुत कुछ करते हैं, बीच में चांस मिला तो मूंगफली खाते हैं, एप्पल भी खाते हैं। मेरा दोस्त लोग ऐसे था, मूंगफली बहुत खाते और मैं भी चोरी करके खाते तो उपवास से मेरा फायदा होता है, मुझे ये बॉइल्ड जो चना है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब नहीं है, वो उपवास का अर्थ उसमें लिखा, उसे लिखने पढ़ने के लिए समय नहीं, उसमें लिखा उपवास का अर्थ जानते हो, हृदय को फाड़ो, वस्त्र को नहीं हृदय को फाड़ो, नहीं है शरीर को नहीं, नहीं है, और मेरा मुंह खोजो, गिर पड़ो, विनती करो, पश्चाताप करो, कबूल करो, यह है उपवास। ये उपवास खाने खाके भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बिना खाके भी करते हैं, कुछ लोग बिना खाके ऐसे उपवास नहीं करता, परमेश्वर का हाथ को इसे मजबूती से पकड़ लेते। 21 तारीख के अंदर मेरी बेटी का वीसा आना ही आना है, नहीं तो याकूब की तरह मैं मल्लयुद्ध करूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये भी एक प्रार्थना है। गलत है नहीं है, मैंने नहीं कहा गलत है, कुछ लोगों को आह्वान इसके लिए आता, ऐसा ये आह्वान मैं सुनता, मैं अभी तक सुना नहीं है बराबर, अगर मैं सुनता, मेरी कलीसिया सुनता, हमारे रूपांतर हो जाता। आमीन आमीन आमीन। हमारे रूपांतर कितने बार आप खाना छोड़े हो मेरे लिए विषय नहीं है, कितना दिन उपवास करता मेरे लिए विषय नहीं है, करना बहुत अच्छा है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि ऐसा में कुर्बानी करने से, ऐसा में मेरे शरीर को दर्द दिलाने से परमेश्वर प्रसन्न होगा, ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है। मूसा ने नहीं खाया, नहीं पिया 40 दिन क्योंकि उसको कोई खिलाया नहीं, उसको खाने का कोई जरूरत ही नहीं था, नहीं है। यीशु भी 40 दिन 40 रात नहीं खाया क्योंकि वो खा नहीं सकता था, लगातार शैतान ने उसके परीक्षा करते रखा और वो जंगली जानवरों के बीच में था। तो उपवास करना गलत है नहीं है, उपवास करना चाहिए, सब लोग उपवास करो, उसे दो तीन फायदा है, एक तो परमेश्वर के साथ अधिक समय मिलता, दूसरा आप थोड़ा सा वेट कम कर सकते आपका, और तीसरा आपका सिस्टम साफ हो जाता, ऐसे कम से कम तीन फायदा उससे है। और 14 चीज है वो बहुत भयंकर चीज है, एसिडिटी बहुत हो सकता, तो उससे मैं थोड़ा डरता, आगे बढ़ते जोक से पा हम लोग ये सब चीज को भूल गया है, हम लोग ये सब चीज को, मेरा बचपन में मैंने देखा है इस चीजों को, कहानी बताने के बनाने के लिए मेरे पास समय नहीं किया, बताने के लिए समय नहीं किया है, अनेक तस्वीर मेरे सामने आता, कैसा कलीसियाओं में जाकर दिया आया था, लोगों ने बहुत आर्थिक आशीष पाया था उसके कारण नहीं, लोग
अपने आप को जमीन पे गिरा देते। कल मैंने एक कहानी सुनाई, मैं क्यों कहानी बोलता, कलीसिया में इतने बड़े समस्या है, बहुत बड़ा कलीसिया है वो, बहुत ही बड़ा कलीसिया है वो, कोई कलीसिया में आता नहीं, वो झगड़ा आपस में भी है और पास्टर से भी विरोध है। ये चीफ पास्टर आया जो अपना टीओ बचन का कहानी वो आया लेटाया रोने लगा सीसलेसली रिलेंटलेसली, उसको कोई रुका नहीं सकता, वो रोता रोता चिल्ला चिल्ला कर रोता, छाती पीट पर कहता प्रभु मेरा गलती है, मेरा अभिषेक की कमी है, मेरे वरदान की कमी है, ऐसे वो प्रार्थना करता। बाकी पांच लोगों के इतने निष्कलंक मनुष्य है यार, दानियल ने भी ऐसा प्रार्थना किया है, कभी कभी कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करता, और ये बुढ़ा आदमी है उसको पानी पिलाने का प्रयास करता, नहीं मुझे पानी भी नहीं, मैं अशुद्ध आदमी, मैं बेकार इंसान, मैं कुटिल मनुष्य, रोता रोता रोता। किसी को पता चला कि पास्टर आया है, सब लोग मारने के लिए आया, बहुत सारे तीन तीन फैक्शन है, तीन ग्रुप है, सब लोग आया पास्टर के ऊपर चढ़ने के लिए आया। कुछ किसका अधिकार से वो अंदर घुसा और प्रार्थना चला तो उसको लगा कि वो अपने सिर्फ अपने चमचा लोगों को लेकर प्रार्थना करता, खिड़की से देखा तो ये लेट के रो रहा है और जो बोल रहा वो सुना है लोग, वो लोग भी रोने लगे, वो लोग कड़कड़ाने लगा, बस बोलो खोल दो कुछ भी करने दो। आया सब लोग अपने आप को लिठाया, 10,000 से अधिक लोग उस रात को रोया, कलीसिया में जागृति आया। अमेन। इंडिया में सबसे बड़ा कलीसिया आज भी वही है, विश्व के इतने देशों में फैल गया वो। ये आगे बढ़ते हैं 2:32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। यही वायदा परमेश्वर ने और उसके साथ दोबारा स्थापित किया, और उसको बोला तू रो मत, बच्चे हुए लोग पूरा पूरा उद्धार पाएंगे। आज वो दिन आया नहीं है, आज वो दिन आया नहीं है, और उस स्वर्ग से बात जो तरता है वो दिन आएगा। प्रभु कहते हैं उनके जब यीशु जगत में आएगा कलीसिया के साथ आएगा, जाए तो पहाड़ पर खड़ा हो जाएगा, बच्चे हुए लोग इसराइल के सारे लोग उसको कोई चाहेंगे, वे लोग प्रार्थना करेंगे, पूरा का पूरा वो देश उद्धार पाएगा। ये सुंदर 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 दर्शन परमेश्वर ने दिनों में ऐसे पश्चाताप कराने वाले भविष्य देवताओं को प्रकाशित करके दिया था। God had revealed such glorious truths and heavenly mysteries to people who would call upon him with a contrite heart. Today we man say चेतित हृदय से परमेश्वर को मुख खोजने वाले अभिषिक्तों को परमेश्वर ने इस स्वर्गीय भेद को प्रकाशित करके दिया। तब आगे बढ़ते दिन का साथ, इसलिए सुनो मैं उनको उस स्थान से जहाँ के जाने वालों के हाथ तुमने उनको भेज दिया था बुलाने पर हूँ, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। परमेश्वर कहता है मैंने तितर बितर जरूर किया था, आई स्कैटर्ड आई विल गैदर। ये हमारा परमेश्वर वो हमें मिटाने के लिए नहीं डांटता नहीं मारता। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर उसे प्रेम नहीं करता इसलिए डांटता, मैं विश्वास करता हूं उल्टा, मैं विश्वास करता हूं अगर प्रभु कभी नहीं डांटता कभी नहीं ताड़ना देता तो उसका मतलब है परमेश्वर की दृष्टि से मैं दूर हटाया गया उल्टा। ये सारे चीज उल्टा है। अगर मैं वचन पढ़कर सुंदर 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 वचन ढूंढ कर उसको कलर मार के चले जाता तो प्रभु शायद मुझसे बात नहीं करता होगा, शिल्पकार मेरे ऊपर नहीं कार्य करता। अगर स्वर्गीय शिल्पकार मेरे ऊपर कार्य करता
उसका वचन कभी कभी हथौड़ा बन गया. Sometimes his word will act like a hammer and a chisel to shape me up. अगर वो नहीं होता तो कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे जीवन. एशिया जैसा मनुष्य उसका दर्शन देता तो उसके साथ ऐसा होता. यहेज़कियेल जैसा आदमी दर्शन देता तो उसके साथ ऐसा. यूहन्ना जैसा आदमी दर्शन देता तो भी उसके साथ ऐसा होता. तो मेरे साथ नहीं होता तो मैं अपने आप को इतना दूर कर दिया है. प्रभु कहता मैं ही लौटा. जस्ट ए कॉल एक भी. अब ये गलत चीज में कहता आपको, गलत चीज है, बोलना नहीं चाहिए. एक बार मैं बहुत वो जमाने में ही मेरा एक दो मित्र था. तो हमारी एक आदत है कि जो भी गलती हमारे जीवन में होता है वो आपस में हम लोग बांटते और प्रार्थना करते. ये हमारी एक रीति है. कुछ भी एक सोच, एक गलत सोच अगर इसे निकल गया हम बोलते हैं, हम तीनों मिलकर प्रार्थना करते हैं. वो हमारी एक रीति था. तो हम लोग इतने निष्कलंक लोग नहीं थे. मेरा जैसा आदमी तो आप जानते हैं इतना बदमाश आदमी. तो एक दिन इतना बोझ मेरा मित्र लोग भी मेरी सहायता नहीं कर सकता. एक गलत सोच ऐसे कुछ ताप ये याद नहीं आ सकता. तब मैं हमारे एक प्राचीन के पास आए, एक एल्डर था, उसका नाम जॉर्ज, अभी नहीं रहा वो. तो उसके पास जाकर मैंने कहा कि अंकल मेरा हृदय में इतना बड़ा बोझ है कि मैं इतनी हर्षित हूँ, इतनी मलयालम में बोले तो अच्छा ऐसा मैं बोल दिया, इतने गंदा ऐसा गंदा. तो बोल गया अच्छा तो बेटी मेरा मैं क्या बोलूं. वो बहुत ही अच्छे एक पिता से. तूने सॉरी नहीं कहा? सॉरी बोलो बेटे. मैं बोला सॉरी अगर मुझको नहीं अब्बा को. मुझे पता है वो जगह, अभी भी पता है वो जगह, मुझे पता है. मेरे छोटा भाई पिछले दिन कह रहा था वो जगह के विषय में, वहाँ वो भी जाया करता था, मुझे नहीं मालूम था. वो ये छोटा सा ऊपर का कमरा है, मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं. नदी समान बहने लगा, नदी में मैं सतोया गया, मैं कुछ नहीं कहा, मैं चाहती नहीं पीता. उसको बोला सॉरी अप्पा वो हृदय की गहराई से जब वो बस चलता आता तब यो शुद्ध किया जाता. आगे बढ़ता हूँ. उसी का आर्ट भी है. हाजी मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको सबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है. ये देख वापस, ये हम बार 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 भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से पढ़ते, दूसरे किसी के भी मुंह से नहीं पढ़ता है. और लोग ऐसे सोचते हैं ऐसे बोलने वाला झूठा भविष्यद्वक्ता है, शायद ऐसा बोलने वाला ही सही भविष्यद्वक्ता है. जो मैं गलती करता मुझे चुंबन देकर प्रोत्साहन नहीं करता, डांटता, हो सके तो मारता, ऐसे लोग सही लोग सही प्राचीन. मेरा पिताजी ऐसा है. अमें वही पिताजी बच्चे हुए सारे लोगों को गोद लेगा, नहीं है इतना पवित्र करेगा. कैसे भी उसके पास लौटाने के लिए सब किया जाता है. ये प्रेम का प्रदर्शन है. मुझे बता नहीं मैं हिंदी में सही बोल रहा हूँ. This is how it displays, manifests his love. परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शन, प्रेम का प्रदर्शन. एक बहुत गलत स्वभाव, यहाँ एक गलत स्वभाव है जो इधर बोल सकता है वही मैं बोलता, बाकी सब मैं छिपाता. ठीक है, एक गलत स्वभाव था अगर मेरा हाथ से गलती होता, स्कूल में हो किधर भी हो, मुझे पता चला ये गलत बात कहा या गलत चीज किया, गलत सोच सोचा, तो मैं भागता उधर से, किधर भी एक कोने में जाता और बोलता कि मैं बच्चू था, झूठ था. प्रभु मारो मत, ताना मत दे, मैं सुधरूंगा. हिलता नहीं मारना, क्योंकि मुझे मालूम था वो मारेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता.
बाकी लड़का लोग गलती करता तो शायद उसको ताड़ना नहीं मिलता, उसको हृदय में दुख भी नहीं होता, मुझको होता, क्योंकि मेरे संडे स्कूल टीचरों ने बताया पवित्र जीवन का अर्थ क्या है। मसीही जीवन पवित्र जीवन है। उन्होंने बताया कि छोटा सा जो सोच भी हमारे बचपन की कहानी है, छोटा सा सोच भी हमारे दिमाग से इसे गुजरते हैं, तुरंत पवित्र किया जाना अवश्य है। सबका दिमाग में ये आएगा, लेकिन वो डांटने वाला है, ताड़ना देने वाला है, प्यार के कारण है। हम आगे बढ़ते हैं। बस ये कहाँ जाना, पांच में जाना, 3:21 है। अच्छा, 3, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सियोन में वास किए रहता है। ये कौन सा पढ़ते हो आप? अब योएल का, उसमें 5:21 नहीं है। 5:21 नहीं है, शायद 3:21। अच्छा, 5 नहीं है उसमें ना, 3 है वो। कुछ भी मैं लिख के रखता, माफ करना आप लोग। हाँ, तो क्या पढ़ा? क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सियोन में वास की रहता। हालेलुया, इतना सब धमकी दिया, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और कहता ये जो गंदा जो लहू है ना, इसको पवित्र करने के लिए वो अपना पवित्र लहू बहाएगा। आमीन। कहा तुम ये लहू पियोगे तो हालेलुया, तेरा पूरा सिस्टम पवित्र हो जाएगा। आमीन। चुनाव जमाने में एक गाना गाया करता था, अभी भी कुछ कलीसिया में गाते हैं, वो प्रभु बोध के समय में गाते हैं। हसाइल द्राक्षारसम पाकनु यर्तियरुदी, कहते कि ये प्याला में, प्याला में ये दाग का रस भर कर उसने उठा कर धन्यवाद किया और मुझको पिलाया। किसके लिए मालूम है? ईशो तत् रिक्तमादेन आगतिरी पान, किसके लिए किया बताए? अब यीशु का नाम। आमेन, आमेन। मेरे नस में से होकर बहते रहे और आमेन। हो प्रभु, नया नियम का पुस्तक में पढ़ते परमेश्वर का लहू है। मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है, कुछ बीमार लोगों को एक इलाज करने की एक रीति है कि हमारा जो अशुद्ध लहू है ना जो निकाल के शुद्ध लहू चलाते हैं, और इसके लहू के लिए बुद्ध काफी है, उससे मेरा अशुद्ध लहू पूरा शुद्ध किया। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। ये वचन लेके बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि वो लोग शीघ्र गति से बाइबल पढ़ता है तो लोगों को लेते हैं बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात तो है ही नहीं। सारे लोग प्रचारक लोग विश्व भर में और इंडिया में भी प्रचार करते हैं कि अपत्र विश्व पल्ला वेलत्र दाहो वल्ला एंड वजन विश्व पत्रे, ऐसे प्रचार करते कि आहार के लिए भूख नहीं है, जल के लिए प्यास नहीं है, मेरे वचन के लिए है। बड़े खुशी से कहते ये खुशी की बात नहीं है, कहते वो इतना विरल होगा ढूंढने से भी वचन नहीं मिलेगा, ऐसा दिन आ रहा है। उसका मतलब वो है कल इसे उठाया जाएगा यहाँ से, प्रचारक नहीं रहेगा, अगर रहे तो भी गलत वचन सिखाने वाला रहेगा। उन दिनों में ऐसा ऐसा अकाल पड़ेगा, उसका मतलब वो पढ़ो अच्छा से, अकाल पड़ेगा, ढूंढने से भी वचन नहीं मिलेगा आपको। अमेन, अमेन। ना मिलावट वाली वचन जो जल है वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा दिन आने वाला है, उसके पहले हम पी ले शुद्ध जो दूध है, बार बार दिन भर के हम पी लेते हैं। ये पवित्र वचन को जितना हम समझ सकते हैं उतना हम समाते हैं। ये बाइबल सब छीन लिया जाएगा, एक दिन प्रचारकों का मुंह बंद किया जाएगा। प्रभु कहते हैं तब भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, ये है वो बात। नबियों के द्वारा हमें
इसकी चेतावनी दिया है. Days are coming when even if I search for the word of God, the true word of God, the right word of God, नहीं मिलेगा. वो दिन आरंभ हुआ है, मुझे लगता है. माफ करना, मैं ऐसे सब कहता है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है. अगर आप टीवी में एक मलयालम चैनल ही देखते हैं, मुझे इतना सब भाषा नहीं आता. अगर वो चैनल सुबह से एक दिन मैंने देखा, सुबह से अंत तक देखा, आधा आधा घंटा में पास्टर लोग आते हैं, आधा आधा घंटा में वाश देते हैं, मुझे सिर्फ दो जन मिला. इतने सारे लोगों में दो जन मिला जो सत्य वचन को पूर्णता में प्रचार करता. बाकी सब लोगों के पास वो लोग गलत लोग नहीं है, लेकिन जब प्रचार करता सिखाता है, वचन से हट से शब्द आता है, ये बढ़ते जाएगा. मैंने कहता कि मैं सही वचन सिखाने वाला, आप मुझे करेक्ट करो. निर्बंध है मुझ में, निर्बंध है, मैं हट कर ना को सिखाओ. लेकिन मैं भी कितने बार गलती करता. एक बार मैंने बहुत बड़ा गलती किया, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होता. मैंने कहा कि परमेश्वर ने हारून से बात नहीं किया. मैं घर में जाके देखा, क्या परमेश्वर ने हारून से बात, हारून से कितने बार बात किया. तो मेरा कहने का मतलब है कि वो तुम्हें बताया नहीं, मैं कभी भी ऐसे बहुत बड़ा गलती करता. अभी हारून से बात किया होगा, नहीं किया होगा, आपका विश्वासी जीवन में आपका कुछ नहीं होता आपको, लेकिन मेरे मुंह से ऐसा निकला. परमेश्वर मूसा को कहा इसको अभिषेक करो, उसको महायाजक बनाया, फिर परमेश्वर उससे बातें करने लगा. तो ये बात है, कई बार बातें किया. तो मेरा कहने का मतलब है गलती हो सकता है. दानियल को दाऊद कहने वाली बात को गलती से छोड़ो, और हारून से बात करने वाली बात छोड़ो. उपदेश की वर्षी आता है तभी मैं बहुत ख्याल देता, बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं. हम ओबद्या में जाते हैं, एक का 18 पढ़ते हैं. तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें से आग लगाकर उनको भस्म करेंगे, और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है. ये दुख की बात है, ये मुझे बहुत दुखी करता. वो कब लोग ये वचन पढ़ता, एसाव कौन का बताया, ये आपको कब आया, उसने क्या कोई हत्या किया था, ये वो जाके कुछ वेश्यावृत्ति किया था. लेकिन यहां लिखा है उसका घराने का एक भी नहीं बचेगा. ये बहुत दुख की बात है. अभी इसराइल के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है वो, लेकिन उनमें से एक भी नहीं उतार पाएगा, इस वचन कहता है. बात और परमेश्वर यहोवा जब परमेश्वर का पुत्र जब जैतून के पहाड़ पर खड़ा रहने के लिए आएगा, वहां से होकर आएगा, ईसाव के पहाड़ के ऊपर से आएगा. जब वो आता उसकी महिमा के कारण वो पूरा जलकर राख बन जाता है. उन दिनों में परमेश्वर ने ये बात को प्रकाशित किया. तो परमेश्वर कभी कभी डराता है, परमेश्वर कभी कभी चेतावनी देता है, बचने के लिए है, बचने के लिए है. आज समय है तो अब ये एसाव अपने आप को दिखाने, तो वो अब्राहम के संतान है, वो आशीष पाएगा. लेकिन हठीले मन से परमेश्वर के जन के विरोध में आज भी खड़ेगा. परमेश्वर सपुत्र राज्य करने के लिए कलीसिया के साथ आएगा, वहां से आएगा. एवरीबॉडी गॉड्स पीपल नो व्हिच डायरेक्शन ही विल टेक. व्हेन ही कम ही विल बर्न द एडोमाइट्स एंड द एसाउ चिल्ड्रन. आगे बढ़ते हैं, वहां से हमें कहां जाना है, जोना में, जोना जोना चार ओबद्या है, ओबद्या का 21 बाकी है ना. उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सियोन पर्वत पर चढ़ आएंगे, और राज यहोवा ही का हो जाएगा. अभी हमने ये सुन लिया, जब राज करने के लिए आएगा वो एसाव को पर दया नहीं, और इसका कारण मैं बताता नहीं. कारण एक बार मैंने बताया है, मार भी खाया, तो आपको समझना तो समझ ले, तो बोलेगा ईसा के ईसा कहते हैं, वो ईसा के ईसा वचन में लिखा उसके सब कारण, इसके लिए परमेश्वर ने उससे द्वेष किया, नफरत किया, अच्छा देता हूँ.
वो अच्छा जाकर वो अच्छा अच्छा जानवर को पकड़ के लेकर आता, मस्त खिलाता पिताजी को, अच्छा अच्छा काम करता। लेकिन बहुत बड़े दो बड़ा पाप किया तो परमेश्वर को देखो तोड़ने वाली पाप, उसके लिए वंश 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 उसका नष्ट हो जाता। हम आगे बढ़ता, हम योना चले जाता। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 120,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? परमेश्वर का मैं तो ऐसा को विषय में कुछ नहीं बोला, लेकिन एक चीज में मेरे प्यारे बच्चों को इधर बच्चों को कहा, हो सकेगा जितना माता पिता का अनुग्रह को आप तो प्राप्त कर सकते हो उतना प्राप्त करो, उतना प्राप्त करो, क्योंकि वचन में बहुत कुछ लिखा है। कोशिश करो, माता पिता का अनुग्रह आपको ऊपर बने रहे। मेरे कारण आंसू नहीं, जो इसहाक जानता ये बात में जो कहता इसहाक जानता, लेकिन इसहाक भी ये नहीं जाना होगा कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। इसलिए हम लोग सब बड़े लोगों का अनुग्रह आशीष प्राप्त करते हैं, बड़े लोगों का आदर करते हैं, उसके अधीन बने रहने से, आज्ञा पालन करने से कोई नष्ट नहीं होता, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। इसके लिए यीशु के विषय में लिखा है कि यीशु के माता पिता ने डांटा उसको 12 बरस में नहीं, वहां लिखा है यीशु लौट कर अपने माता पिता के अधीन बने रहा, आशीष बहुत पाओगे। और यहाँ परमेश्वर अपना हृदय का खुलासा करता और बोलते कि क्या योना तू क्या आदमी है, तूने लगाया था क्या वो झाड़ को, अपने आप उड़ के आया, नहीं है वो खत्म हो गया, तू इतना क्या रोता है, मैंने जिनको सृजाया, वे 120,000 लोग है ना, लोग है, और उनका जानवर लोग कितने, जानवर लोग से भी उन्होंने उपवास कराए, ये राजा करवाया। दुख की बात उसके साथ में थे थोड़े दिनों, जिन्हें भी शहर सदा के लिए मिटाया गया, एक दिन पश्चाताप किया, वो काफी नहीं है, ये बात मुझे डराता है। एक दिन मैंने पश्चाताप किया, परमेश्वर का हुक्म खोजा, उससे बात नहीं पाई। आज निनवे शहर में कुछ बच्चा नहीं, शहर है अभी। परमेश्वर का क्रोध की अग्नि में ये जलाया। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि प्रेरित यूहन्ना ने जो लिखा वो सही है, और यीशु ने जो पिछले इतवार को हमें दोबारा याद दिलाया वो सही है। भाई धोया जाना अवश्य, लोग कुछ भी सिखा देते, बार बार परमेश्वर का मुख खोजना, पश्चाताप करना, गलतियां कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। ये परमेश्वर का हृदय का रोधन कहते कि मैं कितना रोता था, परमेश्वर ने ऐसा नहीं हो रहा कि तुम लोग सब इतना दिन उपवास करेंगे तो तुम लोग बचोगे, ऐसा ऐसा कहा? ये आदमी ने क्या कहा मालूम है कि वो पढ़ने के लिए आपको को समय है तो पढ़ो, तीसरा अध्याय का पहला वचन में क्या कुछ, तभी होगा कि यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नीनवे को मत पढ़ो, योना ने उधर जाके क्या प्रचार किया वो पढ़ो। तब योना ने यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया, नीनवे एक बड़ा, और वो सब जाने दो ना कितना बड़ा शहर था, वो हां हां, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाए। क्या धमकी है यार, बस डायरेक्ट बोला ऐसा, परमेश्वर का दास, कोई परमेश्वर का दास है, अरे ऐसे दास तो हमें चाहिए, चलते रहो ना यार, सब सब सही है, नहीं नहीं बोला उपवास करे हो ऐसा करो, मेरो खिल गया, वचन के सामने थर थराने वाला बचते है, आमीन, वचन के सामने थर थराने वाला, the one who trembles at the word of God will be spared, उसको परमेश्वर बचाता है, आगे बढ़ता है। अभी कहाँ जाना, अभी कहाँ जाना, जाते हैं वो जल्दी पास का दो पढ़ते हैं, हाँ जी,
हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया। सदियों के पहले परमेश्वर सिर्फ इतना नहीं बताता, पिछले द्वार को हमने सुना कि यीशु का जन्म होगा, कुमारी के गर्भ से होगा, ये सब सुना। अब कहता है जगह, हाँ, बेतलहम से, हाँ, हाँ, चुनाने वाला मसीहा का जन्म स्थल भी, हाँ, इतने सुंदर रीति से बताया है। नहीं है? छोटा सा एक टाउन है वो, ये बहुत महान शहर नहीं है, नहीं है। ये छोटा सा जगह है, लेकिन परमेश्वर वो बात को भी इतने चुने जमाने में प्रकाशित करके वो स्पॉट दिखाया। आज आप गूगल मैप देखेगा तो आपको ये दिखाई नहीं देगा, आपको बहुत एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी आपको बंद रहेगा दिखाई। और इसके लिए परमेश्वर ने क्या क्या नहीं किया, वो जब पूरी गर्भिणी थी वो औरत, लड़की, औरत क्या लड़की नहीं है, लड़की वो जमाने में उसको लेके जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा आज्ञा निकला नहीं है, रजिस्ट्री होना ही होना है, होना है। नहीं है, अपने अपने शहर में जाकर करना है। अभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको पूछेगा, यूसुफ भाई तूने ऑनलाइन क्यों नहीं किया? नहीं था ये गड़बड़ी को वो जानवर के पीछे बिठा के नहीं है, लेके गया। परमेश्वर ने, परमेश्वर ने जो पहले से प्रकाशित करके दिया उसे हट कर परमेश्वर कुछ नहीं करता। God never deviates from His word. कोई भी कुछ भी दर्शन देखने दे, कोई कुछ भी प्रचार करने दे, कितना भी सपना देखने दे, परमेश्वर स्वयं आकर कहने दे। कुछ लोगों के पास परमेश्वर स्वयं आके बड़े बड़े बात करते हैं, मैं तो विश्वास भी नहीं करता कि वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन से हट कर परमेश्वर कभी बात नहीं कर सकता। अगर करता तो वो टाइम से वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को मैं कुर्सी से निकाल दूंगा, ऐसा वो करेगा तो मैं हिम्मत से कह सकता, क्योंकि परमेश्वर अपना स्वभाव को कभी नहीं बदलता, अपने वचन के विरोध में वो कुछ नहीं करता। इसके लिए गर्भिणी लड़की को गद्दे के पीठ पर बिठाकर इतने दूर लेके जाना है तो जाना ही पड़ेगा। हम आगे बढ़ते 7:18। हाँ जी, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। यह मेरी परमेश्वर, मेरा परमेश्वर की खूबी है। आमेन। यही परमेश्वर की खूबी है। आमेन। डराने वाला है, भस्म करने वाला है, डांटने वाला है, वो सब नहीं है उसकी खूबी। ऐसा परमेश्वर कहाँ है, कहाँ है ऐसा कोई परमेश्वर है क्या? सारे अपराधों की क्षमा। उसके बच्चे हुए लोग जब उसको उसको पुकारता, जो उसको बचाता, देश पूरे एक देश एक पल में उतार पाएगा वो प्रभु। तो मुझे वो अंकल का याद आता, अंकल मुझको कहता बेटे सॉरी नहीं बोला। अगर एक देश की पाप की क्षमा आधा पल में हो सकता तो मेरे अपराधों की क्षमा भी आधा पल में हो सकता। आमेन। मैं जाऊंगा, मैं उड़कर जाऊंगा, बार बार गिरूंगा तो भी मैं उड़के जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। आमेन। तुम्हारा परमेश्वर इसलिए हिम्मत है, के पीछे होकर चलने के लिए आगे बढ़ता है। और एक खूबी लिखा है, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता। वह हमेशा क्रोधित होकर नहीं रहता, उसका क्रोध क्षण भर के लिए है और उसका प्यार हजार पीढ़ियों के लिए। नहीं, हम आगे बढ़ता, अगाई में चले जाता। अगाई पहला चैप्टर का 8वां वचन, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन।
योग नहीं बनता, बनाना पड़ता। अनेक लोग कहता है कि यीशु ने कहा है मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा, बांधूंगा, नहीं है, आई विल बिल्ड माय चर्च, यीशु ने कहा है वो करेगा, वैसा नहीं होता। हम सहकर्मी, आमेन, हम सहकर्मी, मेहनत कर, कठिन मेहनत कर, जो ऐसे कठिन जगह है वहां भी कभी कभी चढ़ के जाना पड़ता है, तब मंदिर बने, तब बनता है। ये मेरा जो मंदिर है ये भी अपने आप नहीं बनता। I never live in this utopia। मैं मेरा ही एक भावना के दुनिया में नहीं रहना चाहिए, ये जीवन ऐसा नहीं बनता। परमेश्वर के साथ मैं सहकर्मी बनकर कार्य करो तो ये जीवन बनाया जाता माना। आमीन। इसलिए कहता है कि तुमको बांधना। हम परमेश्वर के भवन से कैसा भी कुछ अनुग्रह प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहता है, वहां जाएगा तो क्या मिलेगा। अब दूसरे कलीसिये में भी गया था, हाँ कितने बार गए थे, कई बार गए थे, कुछ नहीं हुआ, नहीं इधर आने के बाद क्या हुआ। तो हम ये कलीसिया कलीसिया छोड़ के ऐसे ऐसे घूमते रहते, कुछ पाने के लिए है, जैसे दुकान में हम जाते हैं ना एक एक चीज ढूंढ के। अभी ये सब गलत शब्द वो रिकॉर्ड हो रहा था, ये इधर एक मस्त चर्च है, एक सुंदर कैथलिक चर्च है, सेंट पायस चर्च बोल रहे, उधर एक पादरी आया था। तो पादरी को वहां की एक बहन जाके बोला कि मैं तो लोर्द में जाके उससे मिल के आया। तो लोर्द में कौन मिलता, मदर मेरी, ठीक है, तो मदर मेरी का एक नाम है लोर्द। तो वो कहते कि अभी मुझे वेलंगनी में जाना है। तो अचेत पूछा उधर क्या है, उधर तो हम वेलंगनी वादा से मिलेगा। बोला अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या प्रोग्राम है। उसके बाद उसने दूसरा केंद्र तो बोला माउंट मेरी का पहले हो गया बोला। तो ये पास्टर पूछा ये सब जगह आप जाके किससे मिलते हैं, ये एक ही है ना, ये मदर मेरी है ना, ये कैथलिक प्रीस्ट ने पूछा उसको, मेरे ही अब रिकॉर्ड होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका उसके नाम भी मुझे मालूम है, वो पादरी का नाम भी मुझे मालूम है। तो पादरी पूछा आप क्या ढूंढ रहे हो, कहां जा रहे हो, तो यीशु से मिला है क्या अभी तक, यीशु से मिलने के लिए आपको लूर्दस में नहीं जाना है, आपको वेलंगनी में भी नहीं जाना है, सही है, ये द्वार तो खोल दे यीशु का ही, सही है, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, हग्गई 2:9। इस भवन को, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं का यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने एक सवाल करता है, वो सब मानने पड़ा नहीं, परमेश्वर यहोवा पूछते तुम्हें, तुम लोगों में ऐसा कोई है क्या जिन्होंने इस भवन की पहली अवस्था को देखा है, महिमा को देखा है, अब देख कर तुम्हारे दिल में क्या लगता है। ऐसा आज परमेश्वर पूछेगा तो मैं रोऊंगा, आप लोग नहीं रोएंगे, क्योंकि आप लोग जवान लोग हैं, मैं बुढ़ा हूं, क्योंकि मैं कलीसिया के महत्व को मेरे बचपन में देखा, कलीसिया की महिमा को मैंने मेरे बचपन में देखा, और वो कलीसिया और आज की कलीसिया में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। वो कलीसिया के लोगों के विषय में हमने इब्रानी 11 में पढ़े थे, प्रमाण पत्र पाया और कुछ नहीं पाया। अब ये लोगों का लोग अफ्रीका लोग बोलते कि वो लोग को दर्शन नहीं था, इसके लिए वो लोग ऐसे ही मर गए, शायद हो भी सकता है, हम लोगों को दर्शन है इसके लिए हमारे पास 4-5 पकड़ो है, उनको बस दर्शन नहीं था इसके लिए वो लोग ऐसे गरीब तरके, कोई भी कुछ भी बात हो, लेकिन मैंने देखा, संतों को देखा, संतों से मिला है, संतों की वाणी सुना है, वाणी सुनकर रोया भी है, लेकिन परमेश्वर हमें यकीन दिलाता है। अब ये कलीसिया जो बनाई जाएगी इसकी महिमा, बीते हुए दिनों की जो मंदिर की महिमा है उससे कई गुना बढ़कर बढ़को। आमेन। Heaven has never seen, आमेन, anything that is more beautiful than the perfected church of Christ, the bride of Jesus.
स्वर्ग ने अभी तक सिद्ध किया गया कलीसिया से बढ़कर एक सुंदर वस्तु को, एक शोभायमान वस्तु को नहीं देखा है। उससे शोभायमान सिर्फ एक ही है स्वर्ग में, वो अति प्राची जो सिंहासन पर बैठा है और सिंहासन के मध्य भाग में उद्दीत यीशु है। उसके समान कलीसिया में जाएंगे। भविष्य तत्व के द्वारा परमेश्वर ने हमें यकीन दिलाया। This is the assurance given to the church, to the prophets. Will I not embrace them? Yes, Lord. मैं चांस में देखो तो मैं चूमूंगा। ऐसे लोगों का। आप बोलो, idol worship में कौन सा भी worship करते हैं? Hallelujah. These are people whom God chose to speak to me through. हम आगे बढ़ते हैं। हम जकरिया में रहते हैं। हाँ। चार का एक से छह पढ़ते हैं। हाँ। फिर जो दूध मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे कहा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके सात दीपक हैं। ये सारे चीज आप बाइहाट जानते हैं। अगर बाइहाट नहीं जानते तो आज घर में जाना और चाय पीने के बाद, पहले नहीं तो पहले आप सोते, चाय पीने के बाद आप ये बात पढ़ना और अच्छा से और एक बार पढ़ना तो आपको याद आएगा। अगर आप भूल गया तो नहीं है, ये जो दिया है दीपक है ना, अभी नहीं बुझेगा। अभी नहीं बुझेगा, सारा प्रबंध किया गया। ऊपर की जो कठोरी है ना, वो भूखा वो भर दिया गया, भर के रखा। इतना ही नहीं है, दोनों ओर से सपने निरंतर आता। यस परमेश्वर को सात आत्मा है, एक आत्मा कैसे कहते हैं ऐसे करके, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में कह रहा है सात आत्मा है, सात तारा है, तो सात कलीसिया है। क्या है ये पूर्णता को दिखाता है। जना नियम ये सात आत्मा क्या है, बहुत सुंदर रीति से लिखा है। ज्ञान की आत्मा, समझदारी की आत्मा, इसे इसे करके बहुत सुंदर रीति से लिखा है। उसका मतलब है आत्मा, सारे वरदान का मूल आत्मा नहीं है। पहली कुरिन्थी 14 में आकर कहते हैं कि अलग अलग तरह के वरदान और सब आत्मा के द्वारा दिया जाता है। ये पूर्ण रूप को दिखाता है हमें। God deals with me in a unique way. The Spirit of the Lord works in me in a very unique way. Amen. प्रत्येक रीति से पवित्र आत्मा मेरे साथ कार्य करता है। He knows this frame. मेरी अवस्था को वो जानता है। मेरी परेशानी वो जानता है। मैं कितना बलहीन इंसान हूँ वो जानता है। मैं कितना गिर पड़ा हुआ इंसान है। He deals with me. और आपके साथ वो अलग रीति से कार्य करता है आवश्यकता के अनुसार। इसके लिए वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आमीन। आमीन। आगे बढ़ता जकरिया 9:9। हां जी। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वह दीन है और गधे वरन गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ आ रहा है। ढूंढ के नहीं जाना है, तेरे समीप वो आ रहा है। Yes, Lord. सियोन कुमारी को कहता है। यरूशलेम में वो गद्दी के बच्चे के ऊपर सवार कर गया। उसका एक भविष्यवाणी है, लेकिन मैं तो उसको उससे भी अति ज्यादा बढ़कर समझना चाहता। सियोन कुमारी के पास उसका राजकुमार आ रहा है। आमीन। आमीन। अभी एक ही फर्क है, वो बोल सकते आप नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरे दिल में क्या, आपको कैसे मालूम। एक ही फर्क है, अभी वो एक श्वेत घोड़े को पाया। उधर लिखा है सियोन कुमारी के पास कैसे आते हैं, गधे पे चढ़ा हुआ, गधे पे चढ़ा हुआ आता है। अभी वो दोबारा आएगा, राज करने हमें। कई बार मैंने ये बात बताया था कि यीशु बहुत गरीब था, उसके लिए गद्दे के ऊपर गद्दा भी उसका नहीं था, उधार भी नहीं था, तो गद्दा को उधार में तो हाथी भी ले सकता था।
वो सब नहीं है। कई बार मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे भाषण देते यीशु बड़ा दीन था, नम्र था, उसके कारण है, वो सब नहीं है। शांति का प्रचार करते हुए राजा आता है तो वह गद्दे के ऊपर आता, वो जमाने की रीति है, वो गद्दे के ऊपर राजा आता है, डरना नहीं। गद्दे के ऊपर कोई राजा आता है वो शांति की बात, सुख शांति की बात, खुशी की बात लेकर आता है। वैसे लोग गद्दे के ऊपर है, जो अगर घोड़े के ऊपर आया तलवार लेकर आएगा वो लड़ाई के लिए आता है। इसलिए घोड़े के ऊपर राजा आते तो लोग अभी वही होगा। यस, वो सियोन कुमारी के लिए नहीं, सियोन कुमारी के साथ आएगा। आमीन। और वो श्वेत घोड़े पर आएगा और उसका मुंह से जो तलवार है उससे वो जातियों को नष्ट कर देगा। ऐसा वचन में लिखा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 का 10 से पढ़ते हम। अभी तक जूना नियम खत्म नहीं हुआ, नहीं जल्दी करो। हाँ, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते। या दिन दिनों में होगा, जब यीशु आएगा तब इसराइल के लोग उसको पहचानेगा। उन्होंने उसको छेदा था, लेकिन उसको छेदा था एक रोमा सिपाही ने, ना सिपाही ने। हाँ। नहीं, परमेश्वर के दृष्टि में इन्होंने किया था। अच्छा, इन्होंने उसको नहीं स्वीकारा और वे लोग उनको पहचानेंगे, रोएंगे, अब वे लोग उद्धार पाएंगे। We will also look at the one whom we have pierced. मैंने उसको छेदा है, बार बार छेदा, मैं भी देखूंगा। आमेन। और मैं पाप क्षमा प्राप्त करूंगा, शुद्ध किया जाऊंगा, पूरा देश एक दिन उद्धार पाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम 14:5 पढ़ते हैं। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, परंतु तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। वो परमेश्वर और एक चेतावनी देते, मैं उसको ऊपर भी वर्णन नहीं करता, हमने कई बार ये सुना। हम मलाकी में चले जाता, मलाकी का 3:1 पढ़ते हैं। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते थे वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। ये जकरिया को मालूम था, इसके लिए जकरिया को तुरंत पता चला उसका संतान कौन है। वो दूत है, यीशु के लिए मार्ग सुधारने वाला दूत है। कितने पहले परमेश्वर ने ये बात को प्रकाशित करके दिया। अभी मेरा दिल में ये सवाल ऐसा आता है कि मैंने मार्ग नहीं सुतारा करके शायद यीशु मेरे जीवन में नहीं प्रवेश कर पाता, मेरे परिवार में नहीं पधारता, मेरे कलीसिया में नहीं आता, वो निर्बंध पूर्व नहीं आता। मार्ग सुधारना है, ऐसा लिखा है क्या उसमें? वो अंतिम दिनों में बेचेगा, ऐसा कह के बोला है। और यीशु कहता है दोबारा ये होने वाला है। यीशु ने कहा दोबारा भी है वही, तभी भी वो स्वर्ग दूतों को भेजेगा। स्वर्ग दूत लोग विश्व के चारों कोने कोने से परमेश्वर को जन को इकट्ठा करेंगे। दादा को इकट्ठा करने वाला वो है, स्वर्ग दूत लोग है, नहीं है? उसके पहले हम उठाए जाएंगे। आमीन, 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 आमीन। ये स्वर्गीय आशा है, ये स्वर्गीय आशा है। कलीसिया को परमेश्वर की ओर से दिया गया जीवित आशा ये है, हम उठाया जाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, उसका और एक वचन है उसमें। 4:1 है। हाँ जी। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे। ये जो दिन है वो बहुत भयानक होगी, ऐसे परमेश्वर ने तभी चेतावनी दिया था। तभी चेतावनी दिया था। उसके बाद 400 बरस के बाद, 400 से अधिक बरस के बाद यीशु का जन्म हुआ, लेकिन यीशु का जो जन्म होने वाली बात नहीं है, दोबारा राज करने के लिए आने वाली बात है। वो कहते वो दिन बहुत भयानक है, बहुत डरावना है। It'll be a terrible day for mankind to face it. लेकिन उसके नीचे ऐसे लिखता है,
धार्मिकता का जो सूरज है ना उसको उदय होगा, उसका पंगु तले चंगाई लेकर वो आए। ये कुष्ठ रोगी पूरा पूरा चंगाई पाए। यस लॉर्ड, ऐसे या शुद्ध इंसान पवित्र बनाए। यस लॉर्ड, प्रतिफल पाएंगे। आमीन। आमीन। जैसा पिता पुत्र का आदर करता है जिसने उसकी सेवा किया, वैसे परमेश्वर अपने जनों का आदर करेगा। yes. उनको ऐसे हीरे समान सब खाएंगे। ऐसे सब से पढ़ते वहां के पढ़ते हमें नया नियम में घुसना है, दो मिनट में खत्म करना। ओके okay. लुका का पहले अध्याय का 67 और 69। अरे वो जकरिया है, ज्यादा बोल रहे हो, वो जल्दी पढ़ो। ओके okay. उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। अभी भविष्यवाणी सिर्फ जूना नियम में नहीं है, नया नियम में आरंभ में यीशु आने से पहले नया नियम में भी भविष्यवाणी देता कौन? याचक है। नहीं है वो जकरिया। जब पवित्र आत्मा उतर कर आता है परमेश्वर की ओर से, जो कोई मुंह बोलता वही भविष्य देखता है। आज भी वैसे लोग है, लोग कुछ भी बोलने दे, ठीक है आज नहीं है, आज नहीं है तो कोई प्रचार नहीं करता। जो परमेश्वर की ओर से बोलता है वही भविष्य देखता है। कैलेंडर देखकर एक तारीख को जो होने वाला है वो बोलने वाला सिर्फ भविष्य देखता नहीं है, ठीक है। वो भविष्य के बारे में बताने वाले ऐसे लोग बहुत सोने लोग हैं, और वो भी सही भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन ये भी भविष्यवाणी किया नहीं है। क्या कहता हूँ? प्रभु इसराइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला है। अरे कुछ नहीं हुआ, यीशु का जन्म भी नहीं हुआ। नहीं है? ये बोलते हैं कि छुटकारा हुआ, हुआ उद्धार हो गया, हो गया। दाऊद का सिंह को उगाया है, कुछ भी बोलता भाई। यस। यह है भविष्यवाणी। यस। प्रॉफिट्स बिलीव्ड एवरी वर्ड दे स्पोक। जो शब्द उन्होंने कहा उसको पूरा पूरा यकीन से कहा और उसको पर पूरा भरोसा रखा। yes. इसके लिए पिछले दिन हमने सुना परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि दे आर द माउथ पीसेस ऑफ गॉड। ये लोग परमेश्वर का वक्ता है, वो कहते हो गया। नहीं है, हो गया। यीशु का जन्म उसके दृष्टि में हो गया, हो गया। उद्धार भी हो गया, छुटकारा भी हो गया। आगे बढ़ते वही सही है। हम 2:36 से पढ़ते हैं। असेर के गोत्र में हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष उसके बारे में भी लिखा है वो भविष्यवक्तिनी है। थी, थी। वो भी थी, भविष्यवक्तिनी थी। तो भविष्यवक्तिनी भी होता है, भविष्यवक्ता भी होता है। होता है, नहीं है? यीशु के समय में भी हुआ। इसका तो यीशु का जन्म होने के बाद है। यीशु के समय के पहले भी था, लेकिन यीशु के समय होने के, यीशु के जन्म होने के बाद ये भी ऐसा भविष्यवाणी किया। नहीं है? आगे बढ़ते इतना हमें बताने का था कि भविष्यवक्तिनी भी है, भविष्यवक्ता भी है, नहीं है? और वो क्या क्या महान कार्य बोलती है, नहीं है? मुझे परमेश्वर से पाया ये बात, किसी ने जाके उसको सिखाया नहीं है, नहीं ये, ये परमेश्वर से पाया हुआ प्रकाशन है। आगे बढ़ता है तो उसको ऊपर, उसको ऊपर क्या आता है, उसको ऊपर कैलकुलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा लोगों के कि भाषण उसी के ऊपर है, उसको कितना ऊपर था, उसके ऊपर झगड़ा होता है, तो वो सब छोड़ दो, वो बुद्धि थी, ठीक है। हम 11 में जाते हैं, 47 से पढ़ते हैं। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था। ये तो हमारे लिए नहीं है, हम बड़ी खुशी से आगे बढ़ सकते हैं। भविष्यवक्ताओं का आदर हम करते हैं, हमें मरने के बाद सबको हम चढ़ाते हैं, लेकिन उसका वचन को हमें नहीं स्वीकारा। आज्ञा का पालन नहीं किया, खबर बनाते हैं। आज भी कितने खबरें हैं बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े संत लोगों का खबर किधर किधर नहीं है। लोग उधर जाते चुकते हैं, मोमबत्ती जलाते, उन्होंने जो सिखाया उसका पालन नहीं कर। आप कोई सहलाव के लिए जाओ, लोग आके क्या 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 बोलता है, कितना बड़ा बड़ा बात कहता है, उनका कहना मानता होता, उसको उपदेश को स्वीकार किया होता, तो बात था। पिछले दिन केरल में एक कुछ कुछ साल हो गया, उधर एक पास्टर का, पास्टर था, पादरी था, मुझे मालूम नहीं, उसका देहांत हुआ, तो लोग एक के बाद माइक के लिए झगड़ा है। किसके लिए? इसका तारीफ करना है,
लाश पड़ा है, तारीफ तारीफ करते हैं। तो कोचमा उसकी बीवी पूछते हैं बेटा को, बेटा तू जरा देख कि हमारा पिताजी एक जरा देख क्या। तो कि लोग गाली देते थे, उसको विरोध करते थे, अब उसको ऐसा आसमान तक ये लड़की औरत को लेगा, ये दूसरे किसी का शाह मुझे वो तो पसंद है, वो तो सच कुछ हुआ क्योंकि वो बेब का दिल टूट पड़ी थी, वो कनिसे के लोगों ने उसको मार डाला, मतलब उसके कार उसका हार्ट अटैक हुआ, इतने कनिसिया के लोगों ने उसको इतना दुखाया, इतना उसको दर्दित किया, और वहाँ भी बड़ा 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 बात करते उसको शवारे की, ये लोग कहते तुम लोग वही करता, मैं भी वही करता, भविष्य तो परमेश्वर के विषय में बात करता, भविष्य द्वारी के विषय में बात करता, परमेश्वर के वचन के विषय में घोर घोर बात करता, वो जो बोलता वो जो सिखाता उसको मैं स्वीकारता हूँ, नहीं तो बाकी सब व्यर्थ है, कब्रें बनाना उसका आदर करना बड़ा चढ़ा के बोलना इससे ज्यादा बात नहीं बैठता। मेरे प्रिय भाई उसका भाषण अच्छा था, इसका प्रचार बहुत सुंदर था, वो ही अच्छा गाना गाता, ये इतना अच्छी तरह प्रार्थना करते, ऐसा सर्टिफिकेट देख कर हम कुछ नहीं पाता। अगर परमेश्वर के वाणी के सामने तरतराते हुए गिर पड़ता और उसको स्वीकार था, हमारे मन का रूपांतर होने के लिए अपने आप को सौंप देता तो बात बनता, आगे बढ़ता। वहां से आगे बढ़कर प्रेरितों का कामों में चले जाते हैं और 11वां अध्याय का 27 और 28 पढ़ते हैं। 27 और 28 उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम में अंताकिया आए, उनमें से अकबूस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया। कई भविष्यवक्ता आए वो जमाने में, हाँ पौलुस का समय में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम में आए, ठीक है, तो उसका मतलब तभी भी बहुत भविष्यवक्ता थे, तो मैं झूठ नहीं कहता। उनमें से एक व्यक्ति का नाम अकबूस दिया, अकबूस है, और उनका जो भविष्यवाणी हुआ पौलुस ने सुना, चुप भाई ऐसा नहीं बोला, सुना सुना, बच्चे को भी कभी कभी सुनना पड़े, परमेश्वर समूह के द्वारा भी बातें करता है, नहीं है? अगर कोई नहीं मिला तो गद्दे को पकड़ लेता हूँ, नहीं सुनेगा तो बचेगा, सच्चा बच्चे, नहीं है? तिरस्कार करो तो कितना मैं यस गद्दे को कुछ नुकसान नहीं होता, नहीं भविष्य करता है, कभी कभी आने वाली बात दिखाता है, इसलिए जब परमेश्वर कुछ दिखाता है हम उसको ऐसे ही नहीं फेंक देते, हमें घुटने पे आना, इसके लिए परमेश्वर दिखाता है, मैं बड़ा भविष्य करता हूँ वो दिखाने के लिए नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर कुछ चीज दिखाता है, डरावने बात है, दुख की बात है, लेकिन हमें घुटने पे आने के लिए, जब मैं आता हूं तो परमेश्वर कहे मेरे दास मूसा हारून नहीं है दानियेल शमूएल अय्यूब से कहेगा मुझको रुकाया, विनती किया, विचवई किया, नहीं है? इसके लिए कैसा हुआ, नहीं है? ये अकबूस ने उनको वाणी दिया, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम 21 में चले जाते हैं, और 8-9 पढ़ते हैं। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पी सुसमाचार प्रचार के घर में सातों में से एक था। ये फिलिप्पुस के बारे में लिखा सातों में से एक है, ये सातों में से कौन एक है? जो सात जन चुन लिया गया था मैच के ऊपर सेवा करने के लिए, उसमें से एक हीरो था ये फिलिप्पुस, नहीं है? उनकी चार बेटियां हैं, तो बेटी होते तो श्राप नहीं है, नहीं, नहीं 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 चारों बेटियां भविष्यवाणी करती थी, तो चारों बेटी होना कोई पाप नहीं है, श्राप नहीं है, नहीं। चारों बेटियां भविष्यवाणी, यस व्हाट अ ब्लेसिंग, मेज पर सेवा करने के लिए चुन लिया जाना अच्छी बात है, अच्छी बात है, यस यहाँ के बड़े बड़े कंपनी के सीईओ बनकर परमेश्वर को पीठ दिखाकर चलने वाले एक बच्चा एक पुत्र होने से कितना अच्छा है, चार लड़कियां है, चारों भविष्यवाणी, हां प्रभु अगर
इसलिए पौलुस ने कहा सारे वरदान के लिए कामना रखो, प्रार्थना करो, खास करकर भविष्यद्वाणी के लिए। भविष्यद्वक्ता वो होता है जो परमेश्वर के लिए मुंह खोलता है। इनका बुलाहट छोटा नहीं है। यस, अभी हमने एक छोड़ा था, वहां वापस जा रहा हाँ। वो इब्रानी क्या रहा है हाँ। उसका 40 पढ़ा हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। सर्टिफिकेट तो उसको दे चुका है। हाँ। वायदा भी किया। लेकिन जो वायदा किया वस्तु है उसको अभी तक उनको दिया नहीं। हाँ। पहले हमें देना है। यस। उनको बोला कि ये सर्टिफिकेट रखो, प्लीज वेट। यस, थोड़ा सा इंतजार कर। दुल्हन भी आए। पटरानी का सम्मान किया जाएगा। दुल्हन भी आने दे। Dearly beloved, what is kept in store for us is not just the reward of a prophet, it is much more. परमेश्वर ने हमारे लिए जो बटोर कर रखा है वो प्रतिफल इन सारे भविष्यद्वक्ताओं के लिए वायदा किया गया प्रतिफल से कम नहीं है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया। पुत्र ने अपने आप को कुर्बान किया। वचन में लिखा है जो कोई एक भविष्यद्वक्ता होने के कारण उसको आदर करे तो जो भविष्यद्वक्ता के लिए प्रतिफल है वो प्रतिफल पाएगा। आमेन। जो भविष्यता से दौतक से भी बढ़कर है उसको मैं मानूंगा तो ऐसा मेरा पाऊंगा जो पुत्र के लिए है। सबसे बड़ा भविष्यता हमारा यीशु है। सबसे बड़ा महायाजक हमारा यीशु है। सबसे महान राजा हमारा यीशु है। सबसे बड़ा उद्धारक यीशु है। उसको स्वीकारने वाला उसके साथ मेरा पाएंगे। वचन में लिखा है that will be carried with Christ. We are co-heirs with Christ. Amen. Co-heirs को हिंदी में क्या बोलना मुझे नहीं मालूम। हमें वारिस है, हम यीशु के साथ वारिस है। यीशु के साथ वारिस है। आमेन 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 आमेन। यीशु को जो मिलेगा मुझको मिलेगा। I will eat of his plate. Amen. मैं उसे ताली से खाऊंगा, उसके संग बने रखूंगा। लोगों को जो भी राह से ज्योति में है हालेलुया उसका वारिस बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। To receive the inheritance of saints in the light, ज्योति में संतों के लिए सिद्ध के लोगों को जो प्रतिफल है उसको पाने के लिए भविष्यद्वक्ताओं का परमेश्वर हमें बुलाया है, चुनाया है, अपनाया है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे। कम शब्दों में प्रार्थना करें और आज के सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। मरीज को शुद्ध करने की बात कर रहा है, विरास में ज्योति का भाग देने का बात कर रहा है। आपको नम्र बनाकर उसका मंदिर बनने के लिए, आप
अपने आप को तैयार करते समर्पण करते प्रभु, हमें तैयार कर हर दिन हमें धोले हमें शुद्ध कर पावन बना प्रभु, पुत्र समान हमें बना दे, जो लहू बहाया गए वो लहू हमें शुद्ध कर पावन लहू उनका छिटका भी हमारे अंदर आए हमें पूरी तरह से शुद्ध करेगा, इतनी कीर्तिमान और इतनी पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया असाधारण हुए लोगों के साथ प्रभु मिलकर प्रभु मुकुट पाने के लिए आते प्रभु जी, अपने आप को ले आते अपने संतानों को पीढ़ियों के साथ निरंतर आत्मा के साथ तो दौड़ने के लिए जिस आत्मा ने यीशु को इस धरती पर ले आया, इसने क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसको सामर्थ्य और बल दिया, उसको मरे हुए से जिलाया, आज कलीसिया को जो आत्मा चलाते को ले आने पर इसी आत्मा के द्वारा हम चलाए जाए, हमारी खूबी के कारण नहीं है मेरी कृपा और दया के कारण अद्भुत कृपा है प्यार के लिए प्रभु हम चुप कराते हैं, किसको तूने दिया प्रभु बिल्कुल योग्यता नहीं है प्रभु, प्रभु प्रभु स्वर्ग झुक कर आता स्वर्ग का सारे संपत्ति दाम पर लगा है, हमें सोना बनाने के लिए हमें चमकाने के लिए हमें शोभा बनाने के लिए ताकि मेरा परमेश्वर गर्वित हो जाए, वही बाप कलीसिया के कारण संत कहलाने के लिए योग्यता नहीं है, लेकिन संतों में हमने योग्यता पाया पवित्र आत्मा के द्वारा है, हमारे घरों को तो खोल दे, तेरी दिव्य आवाज को सुनकर तेरे संग होने दे, आमेन, निरंतर हमें चलाते रहे, आमेन, इसके सामर्थ्य नाम से ये होने पिता परमेश्वर कैसी प्रेम निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति उसका पुत्र और हमारा मुक्ति दाता यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसे अनुग्रह चंगाई का सामर्थ्य दृढ़ विश्वास सनातन आशा लौकिक आनंद हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझदारी और सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं और करना चाहिए जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे कुछ के साथ हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिकों और अधिकारियों के साथ हमारे देश के और विश्व के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुस्संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इसराइल और इसराइल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के आगमन तक भी निरंतर बने रहे आमीन 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 परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद देकर बिनती सुनकर हमारे आपकी हर आवश्यकता को पूरा करें स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे सुरक्षित होता है यीशु के नाम में आमीन आमीन।